यशोदनन्दन ब्रज Yashoda यशोद यशोदनन्दन ब्रज Ranjana Yashoda यमुुना तिरावन यमुना तीरा यमुना तिरावनचारि यमुना तीरा जैराध माधव कुञ्जबिहारी कोपि जनवल्लभ हिरिवरा हरे रा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Rama Rama, राम हरे जय गौरतायताय जय गौरिता गौरिता जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमतीजिवैन ग्रेस अभयचरणारिंद भक्तिवेदातस्वामी की इस्का फाउंडर आचार्य बिपिटी फाउंडर आचार्य सेविर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रोपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस पिवर्तकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरशिलोपादकी अनंतोटिवैष्णववृंदकी नामचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्रीकृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्यामकोड गिरिराज गोवधन की श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम की पुरी धाम की, श्री नवद्वीप की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय्या की श्री श्री गौनिताय की ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीबल डिबोटी आल ग्लोरी द संबल डिबोटी ऑल ग्लोरी ग्लोरी श्री गुरु एंड श्री गौरांग नम विष्णुपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमती इति नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे देश पाश्चातरिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते हम पढ़ रहे हैं श्रीमदभागवतम स्कंद अध्याय नौ जिसका शीर्षक है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव श्लोक संख्या एक कृपया दोहराइए श्री तस्या तू

शिरांसीत सोमपीथम सुरापीथम अन्नादुश्रुम श्रीशुक उवाच तस् विश्व शिरासी भारत सोमपीथम सुरापीथ अन्नादम् इति शुश्रुमा आता है। इसका अर्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमृति भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रोपात के द्वारा श्री शुक श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तस्या उसका आसन थे विश्व देवताओं के पुरोहित विश्वरूप को श्रीराम सिंह शीर त्रिणी तीन भारत हे महाराज परीक्षित सोमपीथम सोमपान के लिए सुरापीथम मदिरापान के लिए अन्न अदम खाने के लिए इति इस प्रकार शुश्रुमा परंपरा प्रणाली से मैंने सुन रखा है अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के तीन सिर थे उनमें से एक से वह सोमपान करता था तो दूसरे से मदिरापान और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था हे राजा परीक्षित ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है तात्पर्य कोई मनुष्य स्वर्ग के राज्य इसके राजा तथा अन्य वासियों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है और न उनके अन्य कार्यकलापों को ही देख सकता है क्योंकि वह स्वर्गलोक नहीं जा सकता यद्यपि आधुनिक विज्ञानियों ने अनेक अंतरिक्ष यानों का आविष्कार कर लिया है किंतु वे अभी चंद्रमा तक भी नहीं पहुंच पाए अन्य लोकों की बात तो कोसों दूर है कोई मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव से मानव अनुभूति से अधिक नहीं सीख सकता उसे विद्वानों से सुनना चाहिए इसीलिए महात्मा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे राजन मैं तुमको वही सुना रहा हूँ जो मैं कुछ मैंने प्रामाणिक सूत्रों से सुना है यह वैदिक पद्धति है वैदिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है क्योंकि यह प्रामाणिक सूत्रों से सुनकर ग्रहण किया जाता है यह हमारे झूठे प्रयोगात्मक ज्ञान के दायरे से परे है उमज्ञानीरंध्य ज्ञानशलाखया चक्ष न तस्में श्रीगुरव नम श्री, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा मह्यम दादा स्वदाक वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन्वैष्णवाम साग्र जाता सह गण रघुनाथन्वी तम सजीव साद्वैत सवधूत परीजन सहित कृष्णचैतन्यम श्री राधा कृष्ण पह गणा ललिता श्री विशाखान्ताछा कलतरुभ्य कृपा एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आप सुबह के श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है छठे स्कंद के अंतर्गत यहाँ जो चर्चा चल रही है जिसमें हमने देखा कुछ अध्याय पूर्व कि जो इंद्र अपने काफ़ी देवताओं के सहित राजसभा में इंद्र सभा में बैठे थे तो जैसे मानो वो चंद्रमा के समान तारकाओं से घिरे हुए थे स्वाभाविक रूप से इतने बड़े राजा हैं तो थोड़ा अभिमान था उसी समय जब उनके गुरु बृहस्पति वहाँ आए तो जैसे आदर सत्कार करना चाहिए गुरु का वैसे वो नहीं किए कुछ भी नहीं किए ना खड़े हुए न उनको आसन दिया कुछ नहीं करने के कारण बृहस्पति नाराज़ हो गए और वहाँ से चले गए वो छुप गए कहीं तो इंद्र को अपनी जल, गलती जल्दी ही याद आ गई समझ गई और वो सुधारने के लिए गुरु के पास जाने के प्रयास तो किए लेकिन गुरु तो गायब थे तो गुरु न मिलने के कारण वो कर नहीं पाए जो करना चाहिए था क्षमा याचना इसके कारण ही देवता सभी अपना राज्य खो बैठे और ऐसी स्थिति में अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो त्वष्टा है उनके उनके अध्यक्षता में उनके मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने यज्ञ किया जिसमें जो त्वष्टा थे उनके पिता तो देवताओं की तरफ से लेकिन माता राक्षसों की तरफ से थी तो इसलिए शुरुआत में वो जो कर रहे हैं बड़े वचनों में बड़े वाक्यों में या बड़े शब्दों में जो आहुति दे रहे हैं वो तो देवताओं के लिए लेकिन छिपके वो आसुरों के लिए भी कर रहे हैं तो ये देखकर इंद्र बड़े कोपित होते हैं और त्वष्टा का सर काट देते हैं फिर विश्वरूप सॉरी विश्वरूप त्वष्टा में बोल रहा था ये त्वष्टा नहीं विश्वरूप की बात कर रहे हैं तो विश्वरूप का सर काट देते हैं तो विश्वरूप के तीन सर हैं इसके बारे में यहाँ अभी तक सर काटा गया नहीं है लेकिन ये अध्याय में आएगा तो ये कर रहे हैं अभी यज्ञ मैंने थोड़ा फॉस्ट फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया तो वे यज्ञ कर रहे हैं और फिर इस अध्याय में हमारे आचार्य शुरुआत में बता देते हैं कि फिर इंद्र को कोपित होकर उनके तीन सर काट देंगे फिर उनके पिता त्वष्टा विश्वरूप के पिता त्वष्टा वो बड़ा यज्ञ करेंगे जिसके द्वारा एक असुर पैदा हो जो इंद्र को मार डाले लेकिन थोड़ा मंत्रोच्चार गलत होने के कारण अन्य ही उसका अर्थ निकलेगा जिसका अर्थ निकलेगा कि ऐसा राक्षस पैदा हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव और जो राक्षस पैदा पैदा हुआ यज्ञशाला से यज्ञ से यज्ञ कुंड से तो वो बहुत बड़ा था जिसने पूरे आसमान को छा दी दिय, छा दिया अच्छातीत कर दिया आवृत्त कर दिया तो वृत्र यानी वृत्रासुर इसकी चर्चा आगे आएगी लेकिन यहाँ जो चर्चा हो रही है पहले श्लोक में पहला ही श्लोक ये तो यहाँ बताया गया है विश्वरूप के शरीर का वर्णन जिसमें उनके तीन सर है एक से वो सोमपान करते थे दूसरे से मदीरापान और तीसरे से भोजन ग्रहण करते थे तो ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है ऐसे सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं क्योंकि ऐसे हम तो जीवन में देखते नहीं कोई तीन सर वाला और तीन सर होंगे तो तीनों से वो खाना ही खाएगा जल्दी फटाफट खत्म हो जाएगा शायद लेकिन ये तीनों सर से अलग अलग ही चीज़ खाते तो एक साथ तीनों से तीन अलग चीज़ें खाते थे हाथ तो दो ही है तो क्या एग्जैक्टली है ये रहस्य समझना मुश्किल है तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ये मैंने विद्वानों से सुना है आप ऐसे ही इसको ग्रहण कीजिए एग्जैक्टली exactly क्या होता था कैसे वो खाते थे किस प्रकार से ये जान पाना मुश्किल है तो हम थोड़ा इसके ऊपर ही थोड़ी चर्चा करेंगे शुशरूम के ऊपर तो हमारे आचार्य शिलजी गोस्वामी पाद ने क्रम संदर्भ में तो कुछ इसके ऊपर टिप्पणी की ही नहीं है पहले तीन श्लोकों के ऊपर और विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर ने बस ये तीन स्वरों से वो क्या करते थे वो बताया है और कहे कि ये देवताओं के द्वारा चुने गए थे यज्ञ करने के लिए तो बस इतना ही लेकिन हमारे महान आचार्य आचार्यशिला प्रभुपाधि हैं जिन्होंने थोड़ा कुछ या ज़्यादा कुछ तत्पर्य बताया है और वो श्रुति के संबंध में है श्रवण से शुश्रूम जो शब्द है उससे संबंधित वो कहते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा तो हम सुन नहीं सकते उनको तो कुछ भी पता नहीं उनकी अपूर्ण इंद्रिया है और उसके अलावा वो वो तो अभी भी उनके जो भौतिक रिसर्च है अनुसंधान है उसमें भी कुछ सक्षम हो नहीं है तो इसलिए उनसे भी नहीं सुन सकते तो सुनना चाहिए तो परंपरा में शुश्रूमा ये श्रु धातु है जिसका अर्थ है श्रवण करना तो ये खुद कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी मैंने ये परंपरा में श्रवण किया है तो हमारे आचार्य शिल भक्तिविनो ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं कि जो ज्ञान ग्रहण करना है तो उसके लिए आठ प्रमाण है तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण डायरेक्ट सेंस परसेप्शन हमें इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है दूसरा है अनुमान प्रमाण यानी इन्फुरेंस जो इंद्रियों से जानकारी प्राप्त की उससे थोड़ा सा कुछ अंदाज लगाना अनुमान ये तीसरा प्रमाण है तीसरा दूसरा है तीसरा है उपमान एनोलॉजी कुछ ऐसे कुछ आ, आ, उपमा देने से कुछ समझ में आता है ज्ञान ग्रहण करते हैं जैसे वो शाखा चंद्र न्याय हम सुनते हैं उससे समझ में आता है वो बच्चे को कि ये जो पेड़ है उसकी दो शाखा है उसके बीच में जो चंद्रमा है तो वो वो जो दिख रहा है गोल वो चंद्रमा है तो उसके द्वारा थोड़ा समझ में आता है तो जैसे उपमान चौथा है शब्द प्रमाण नॉलेज रिविल्ड थ्रू साउंड एक प्रामाणिक अधिकारी व्यक्ति से जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे श्रवण करके हम सुन सकते हैं पांचवा है ऐतिह्य यानी ट्रेडिशनल नॉलेज जो इतिहास ऐतिहा ऐतिह्य तो इससे हम सुन सकते हैं छठा है अनुपलब्धि नॉलेज डिड्यूस फ्रॉम द नॉन परसीव्ड जो जिसका परसेप्शन नहीं है उसके द्वारा जो नॉलेज डिड्यूस किया जा सकता है छठा है अर्थपत्ति यानी डेरिवेटिव नॉलेज ये भी डिराइव नॉलेज है और सातवा आठवां है संभव प्रोबेबिलिटी तो ये आठ प्रकार के प्रमाण हैं सामान्यतः तो हम तीन सुनते हैं प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द लेकिन आठ प्रमाण हैं तो उसमें से प्रत्यक्ष तो जो वैज्ञानिक हैं उनको तो प्राप्त नहीं हुआ है और दूसरा अनुमान क्योंकि इंद्रिया ही अपूर्ण है तो उसके अनु उसके ऊपर आधारित रहकर अगर कुछ अनुमान लगाए जाए तो वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाएगा तो इसलिए शब्द प्रमाण इसकी ही ज़्यादा संस्तुति की गई है सभी शास्त्रों में इसको श्रुति भी कहते हैं यानी जो आ रहे हैं प्रामाणिक आचार्य भगवान कृष्ण से शुरू होने वाली चार परंपरा है उसके बारे में भी जैव धर्म में शिलोभक्ति ठाकुर बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये चार संप्रदाय है पद्म पुराण में से श्लोक कोट करते हैं संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षितिपावन ये चार संप्रदाय के बाहर कोई मंत्र लेगा तो वो मंत्र निष्फल रहेगा वो जो कार्य है यानी जो अभिष्ट सिद्धि है भगवत धाम जा पाना शुद्ध हृदय हो जाना ये संभव नहीं हो पाएगा किसी भी ग्रंथ किसी भी मंत्र के द्वारा जो संप्रदाय में प्राप्त नहीं हुआ है और चार संप्रदाय का नाम भी पद्मपुराण में बताया गया है श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावन ये पूरे संसार को पावन करने के लिए ये चार संप्रदाय भगवान ने स्वयं दिए हैं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो जाए तो इस परंपरा में अगर हम ज्ञान ग्रहण करें तो ऐसी चीज़ें जो हम शायद देख न पाए या देखने के बाद भी समझ ना पाए वो हम अच्छे से समझ सकते हैं जिसके द्वारा न तो हम समझ जाए लेकिन हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम भगवत धाम जाने के लिए पात्र भी बन पाए प्रभुपात कहते हैं कि शब्द प्रमाण से उस टाइम शब्द प्रमाण से हमारा समय बचता है जैसे अगर एक बच्चे को चैलेंज किया जाए या उसको पता नहीं है माता पिता कौन है तो प्रभुपात का उदाहरण है कि पिता माता को पूछ कर जो एक प्रामाणिक अथॉरिटी अधिकारी है उनके द्वारा उनको समझ में आएगा कि उनके पिता कौन है क्योंकि माँ जो है वो पूरी तरह से निस्वार्थ बुद्धि से बच्चे की सेवा करती आती है जब से वो उसके कोख में प्राप्त है और बच्चे को तो समझ में नहीं आता जन्म के बाद भी काफ़ी समय के लिए लेकिन जब भी उसको वो समझ आती है तब से वो देखता है कि ये बहुत निस्वार्थ बुद्धि से ये स्त्री मेरी सेवा कर रही है इतना निस्वार्थ बुद्धि से कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है चौबीस घंटा वो उसके लिए उपलब्ध है तो इसलिए इसलिए उसको माँ ही ये एक अधिकारी है वो देख रहा है जीवन में अपने कि ये कितना निस्वार्थ बुद्धि से मेरी सेवा करे तो वो जो बोलेगी वो उसके लिए प्रमाण बन जाएगा तो माँ बताती है ये पुरुष जो है ये तुम्हारे पिता है ये तुम्हारा भाई है ये तुम्हारी बहन है ये चाचा चाची इसी के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है ये ज्ञान तो इसको शब्द प्रमाण प्रभुपाद ने कहा है और इसके बारे में श्री विश्वपनिषद में दसवें और तेरहवें दोनों श्लोकों में इति इतिशुश्रूम धीराणाम ये न स्तद्विचचक्षर है दो चीज़ों के बारे में बताया गया है शुश्रूम जो शब्द है तो यानी मैंने श्रवण किया है यही सुना गया है क्या सुना गया है तो दसवें में बताया गया है कि अगर कल्चर ऑफ नॉलेज एंड कल्चर ऑफ साइंस अगर हम ज्ञान की आ, तरफ ज्ञान को स्वीकार करें तो एक परिणाम निकलेगा और अंधकार को या अज्ञान को स्वीकार करें तो दूसरा परिणाम निकलेगा प्रौपत तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताते हैं आधुनिक शिक्षण प्रणाली कैसे वो पूरा बकवास है क्योंकि उसमें तो कुछ शास्त्रों के ऊपर आधारित कुछ नहीं अपने ही प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और जो बच्चे निकलते हैं यहाँ से सुशिक्षित होकर तथा कथित सुशिक्षित होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो कौन है कि वो शरीर नहीं वो आत्मा है तो इसलिए वो आधुनिक शैक्षणिक पद्धति किसी काम की नहीं प्रभुपात कहते वो हिप्पी प्रोड्यूस करते हैं जो संसार को तकलीफ देते खुद ही तकलीफ में है आत्महत्या करते हैं या फिर शराब पीते हैं इत्यादि तो वो एक परिणाम निकलेगा क्योंकि वो अज्ञान को ग्रहण कर करे जा रहे तो ज्ञान प्रबोधिनी लिखेंगे या ऐसे बहुत सारे नाम होंगे वो पाठशाला के लेकिन उधर ज्ञान नहीं उधर अज्ञान ही मिल रहा है उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है तो ज्ञान मिलता है एक प्रामाणिक गुरु जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं उनके चरणों का आश्रय लेकर उनके पास प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा ये तीन चीज़ें करेंगे तो फिर वो असली ज्ञान या जो सही ज्ञान है वो प्राप्त होता है और तेरहवें श्लोक में कहते हैं कि अगर भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है सर्वश्रेष्ठ है सबके स्रोत है उनसे अगर सुने उनके प्रणाली में उनके परंपरा में तो एक परिणाम निकलेगा और देवता उनका अगर शरण ले तो और देवताओं का शरण ले तो कुछ अन्य परिणाम निकलेगा यान्ति या देवान पितृन यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजनो माम जैसे इस तरीके का ही है वो कि अगर देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे तो वो इसी संसार में अटक जाएगा इससे बाहर नहीं जा पाएगा व्यक्ति क्योंकि वो मैं शरीर हूँ और शरीर के सुख के लिए ये जीवन में नहीं तो अगले जीवन में सुख सुविधा प्राप्त हो यही उसका फाउंडेशन उसकी नीव है तो इसलिए वो एक परिणाम निकलेगा लेकिन भगवान कृष्ण को जो शरण जाएगा यदगत्वा न निवर्तन तई तदाम परम मम भगवान एकदम स्पष्ट तरीके से बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं तत्वता त्यक्तवा देहम पुनर्जन्म नैति मा मेरे पास आ जाएगा पुनर्जन्म होगा ही नहीं तो यहाँ दोनों श्लोकों में शुश्रूम शब्द आया है कि ये नद्विच चक्षी इतिशुश्रूम धीराणाम धीर जो है उनसे हमने ये श्रवण किया है ऐसे बताया गया है और ऐसे भागवतम में भी करीबन सात आठ जगह है जहाँ इस चीज़ को ही दोहराया गया है शुश्रूम शब्द आता है ये कुछ सात आठ श्लोक हैं तो अलग अलग जगह पे ये श्रुति या श्रौत का थोड़ा वर्णन है तो एक तो है श्रौत वाक्य यानी गुरु महाराज से सुने हुए जो वचन है जो बहुत गंभीरता से लेते हैं उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो उसको परिपूर्णता प्राप्त हो जाएगी श्रौत श्रवण किया गुरु के मुख कमल से गुरु मुख पदमा वाक्य चेते आर न को रि मने आशा तो काफ़ी बार हम रोज़ तो बोलते ही रहते हैं इसको लेकिन काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते इसको ऐसे बोलते क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं होता ऐसे हमारा मन भटकता रहता है इधर उधर तो जरा ध्यान पूर्वक अगर श्रवण करें क्या बोल रहे हैं शिलन्द्रोत्तम दास ठाकुर महाशय और उसको अगर अपने जीवन में लागू करें तो बहुत लाभ होगा इसी जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर धाम जा सकते नहीं तो फिर बहुत जन्म लगते बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबूतन पाए कृष्ण पदे प्रेमधन हजारों लाखों करोड़ों सालों के लिए श्रवण करते रहो कीर्तन करते रहो भगवान के कृष्ण के बारे में ही लेकिन कृष्ण के चरणों में अनुराग आसक्ति पैदा नहीं हो पाएगी क्योंकि अपराध करते हैं तो क्योंकि गुरु से श्रवण नहीं करते इसलिए कमी रह जाती है आध्यात्मिक जीवन में तो भक्तिवनाथ ठाकुर कहते हैं कि तीन जन्म लगते हैं पहला जन्म अपराध युक्त नाम लेते हैं नामापराध दूसरा जन्म नामाभास में जाता है और तीसरा जन्म शुद्ध नाम ले सकता है और प्रभुपात कहते हैं मैं आपको एक जीवन में ही परिपूर्णता प्राप्त करके दे सकता हूँ लेकिन प्रभुपात की सुननी चाहिए गुरु गुरुमुख पद्म वाक्य तो श्रौत वाक्य फिर श्रौत परम्परा ये जो श्रवण की ही परम्परा है जो हम सुन रहे हैं उसको ही जो ऊपर के आचार्य जो हम सुन रहे हैं वही कृष्ण से अर्जुन ने सुना था वही कृष्ण से ब्रह्मा जी ने सुना था ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने सुना वही का वही है उसमें कुछ भी अंतर नहीं है ये पूरा विश्वास होना चाहिए इसको श्रौत परंपरा कहते हैं फिर वो कहते हैं श्रौत परंपरा या श्रौत पंथा श्रुति का पाथ है ये मार्ग है जैसे प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन बहुत ही सबमिशन से श्रवण करना चाहिए ऑरल रिसेप्शन जैसे हम किसी व्यक्ति का स्वागत करने जाते हैं तो एक तो अपने घर के दरवाजे पे जाएंगे या थोड़ा बाहर जाएंगे कंपाउंड वॉल के उधर और उधर हम खड़े रहते हैं उनकी राह देखते हैं और फिर हाथ में कुछ तो होगा हो, हो सकता है पुष्प उनको अर्पण करने के लिए या सुबह से जल छिड़कने के लिए अलग अलग प्रकार का स्वागत होता है तो ऐसे ही सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन बहुत ही सबमिशन से सबमिशन को हिंदी में शरणागति तो नहीं लेकिन बहुत ही विनम्र भाव से सब उनके प्रति पूरी तरह से हम सबमिट है सबमिशन है तो में से ऑरल रिसेप्शन ऐसे श्रवण करना चाहिए तो उसको श्रौत पंथा कहते हैं या श्रुतेक्षित पंथा भी कहते हैं हम श्रवण के माध्यम से ही देखते हैं अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो ये जो एक टेक्निक है जो सीख ले बहुत प्रगति करेगा कि श्रवण से ही वो समझ जाए श्रवण से ही वो देखे न तो अपने आँखों से देखने के लिए प्रयास करें वो तो चक्षुर उन्मिलित मेनक गुरु अपने वचनों वाच, से मेरे आंखें खोल दिए नहीं तो मैं तो अंधा ही था बहुत ही घने अंधकार में जन्म लिया था और चौथा एक और शब्द है श्रौत जन्म श्रौत जन्म यानी सेकेंड बर्थ थ्रू वैदिक इनिशिएशन जब हमारी दूसरी दीक्षा होती है गुरु से हम वैदिक ग्रंथ वगैरह श्रवण करते हैं तो इसको श्रौत जन्म कहते हैं पहला शुक्र जन्म होता है माता के गुरु गर्भ में पिता जो होते हैं पुरुष वो वीर्य छोड़ते हैं और वो वीर्य के द्वारा फिर बच्चे का जन्म होता है ये तो जन्म कुत्ते बिल्ली सभी जो चौरास्य लक्ष्मी होनी है सभी को प्राप्त होता है उसको श्रौत उसको शुक्र जन्म कहते हैं लेकिन श्रौत जन्म बहुत ही कम जनों का होता है गुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनसे श्रवण करके उसके अनुसार अपना जीवन जो बिताते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है तो इसलिए श्रवण करना चाहिए ज़्यादा देखने के इसमें चक्कर में नहीं जाना चाहिए इधर उधर घूमना बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र है उधर भी जाकर देखकर कुछ समझ में नहीं आता वो एक व्यक्तियों को इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम आपके मन का भ्रम है आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं चलो इधर जाते हैं उधर जाते हैं बहुत समय की बर्बादी हो जाएगी अच्छा है कि गुरु के चरणों में बैठकर इसको श्रवण करें तो अपने जीवन से मैं बताना चाहूँगा जैसे 2000 या 2003 में जब हम मायापुर यात्रा गए थे तो हम तो तब बहुत ही जवान थे बाईस पच्चीस साल के थे तो हम हमेशा गुरु महाराज के पीछे ही जाते थे और जितना हो सके बस उनके और बीच हमारे बीच में बस कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर का ही जैसे अंतर हो उनके पीछे पीछे क्योंकि उनके ही पीछे हम पागल थे पता था कि अगर जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करनी इनके द्वारा ही है तो पीछे पीछे जा रहे तो अंबिका कालना गए थे गौरीदास पंडित का जो मंदिर है गंगा के उस तट पर तो गए तो महाराज गए दर्शन लिए पहले वो सबसे पहले रहते थे होंगे उस समय हज़ार डेढ़ हज़ार या पता नहीं कितने दो तीन हज़ार भक्त होंगे तो हम इतने आगे तो महाराज पहले जाके दर्शन लिए तो हमने भी दर्शन लिए महाराज के पीछे ही हम गौर नित फिर महाराज इधर इधर गए इधर गए तो हम भी उनके पीछे पीछे सब और फिर जाके महाराज थोड़ा कीर्तन चल रहा था बाकी कीर्तन पार्टी भी थी कीर्तन कर रहे तो हम भी नाचे महाराज नाच रहे थे तो हम नाचें तो फिर और हमारा मन इसी में रहता था कि कहाँ बैठेंगे हम देखते रहते तो जो ऑर्गेनाइजर है वो उनका जो पर्सनल सर्वेंट वो मैट को किधर डालेगा क्योंकि जिधर डालेगा उधर ही गुरु महाराज बैठेंगे तो उनके बस लैब पे तो नहीं बैठ सकते लैपटॉप नहीं थे उनके लेकिन बस उधर ही किधर तो चिपक के बैठना है तो हम देखते रहते तो अचानक महाराज बैठ गए तो मैं भी बैठ गए एकदम और हम सब जवान लोग थे बूढ़े लोग तो बहुत पीछे रहते थे वो जानते थे कि इसमें आ गए तो हड्डी पसली एक हो जाएगी ये जवानों के बीच तो मैं बैठ गया उधर और फिर श्रवण कथा वहाँ की कथा श्रवण करने लगे तो गौरीदास पंडित की कथा कैसे गौरित मिलने आते हैं उनको और फिर जाते समय कहते हैं कि हमें दीजिए आप इजाज़त परमिशन अनुमति कि हम जाएंगे करके तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप मत जाइए वगैरह आपसे इतना प्रेम हम नहीं जाने देंगे आपको तो महाप्रभु और नित्यां प्रभु एक विग्रह है गौरिता के उनको प्रदान करते कहते हैं ये हमसे अभिन्न है इनको आपके पास रखिए तो फिर वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो अभिन्न है तो उनको जाने दीजिए आप रह जाइए तो फिर महाप्रभु और गौरनीता ये दोनों विग्रह बन जाते हैं और चले जाते हैं विग्रह चलने लग जाते हैं फिर वो उनके पीछे भागते हैं अरे नहीं 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 आप ऐसा मत कीजिए आप तो ऐसे चलता रहता है इधर उधर बाद में उनको समझ में आता है कि इन्होंने इनके कोई अंतर नहीं है तो उनकी भक्ति देख इतने प्रसन्न होते हैं गौरांग महाप्रु तो कहते हैं कि मैं आपको जिस ये गंगा को पार करके आए एक नाव से नाव को वो पार करने के लिए वो और क्या कहते हैं उसको एक लकड़ी के डंडे रहता है ऐसे ना उसको चप्पा चप्पू ओके तो चप्पू होता है तो वो चप्पू को लेके आए थे तो वो उनको प्रदान किया और कहें कि हम आपको ही ये प्रदान करते हैं ये चप्पू आपके पास ही रहने दीजिए आप इसके दर्शन कीजिए जो भी इसके दर्शन करेगा जन्म जन्मवृत्ति के चक्कर के भव सागर को पार कर जाएगा वो तो गंगा को पार करने के लिए था ये भव सागर पार करके जाए महाराज ने ये बोलते बोलते बोल दिया तो हमने जैसे ही सुना अरे ये तो कहाँ है चप्पू वो कहाँ चप्पू कप्पू कुछ भी पता नहीं हमें हम तो गौर गौरनीताए देखे जैसे महाराज देख रहे थे जिस दिशा में हम भी देख रहे थे हमें तो कुछ चप्पू वगैरह दिखाई नहीं कुछ तो फिर जैसे ही हो गया वो प्रवचन तुरंत में उठ खड़ा हुआ और बाकी भक्तों के बारे कहा है वो चप्पू तो जो सीनियर थे उन्होंने बताया ये सामने ही था वो गौरनीता के चरणों में उधर ही ऑल्टर में सामने एक केस में रहता है वो ग्लास केस में तो हमने देखा ये चप्पू थे तो मैंने देखा ही नहीं ये कैसे हो गया तो क्योंकि श्रवण ने किया था ना हमने जो आँखों से देख रहे थे कुछ पता नहीं है गौरिताएँ तो गौरनीता गौर्निता पता थे वो सुने था आंखों कानों से पहले तो गौरनीताएँ को देखा चप्पू को पता ही नहीं था अगली बार हर बार जब गए बाद में तो वो चप्पू को देखते थे <laughs> पिछली वाली गलती को हमने सुधारा कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हम देख ही नहीं रहे तीर्थ यात्रा जाते हैं क्योंकि गुरु से श्रवण नहीं करते इसलिए तो श्रवण करना चाहिए श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा तो ये थोड़ा संक्षिप्त में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते मैं चर्चा करना चाहता हूँ श्री सनातन गोस्वामी के बारे में क्योंकि परसों यानी मंडे को गौर गुरु पूर्णिमा है जैसे हम गौर पूर्णिमा मनाते हैं चेतन महाप्रभु प्रकट हुए थे लेकिन गुरु पूर्णिमा यानी सनातन गोस्वामी जिस दिन तिरुभाव हुआ था तो सनातन गोस्वामी हमारे हमारे संबंध आचार्य है तो ये मैं गुरु महाराज से जो शुश्रूमा जो सुना है इससे संबंधित है तो कथा करना चाहेंगे क्योंकि परम पूज्य भानु महाराज भानुस्वामी महाराज आ रहे हैं और महाराज उस दिन माधुर्य कादंबनी के ऊपर चर्चा करेंगे तो उस समय तो शायद हो नहीं और ब्रह्मचर्य क्लास में भी माधुर्य कादम्बनी चलेगा तो इसलिए हम महाराज से श्रवण नहीं कर पाएंगे शायद कर पाए तो फिर से सुनेंगे सनातन गोस्वामी के बारे में लेकिन अभी के लिए तो हम उनके बारे में श्रवण करके अपने हृदय क्यों शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो सनातन गोस्वामी ये रति मंजरी है या लवंग मंजरी कहलाए जाते हैं गोलोक वृंदावन धाम में जो राधा रानी है कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर तो उनके आठ सखियाँ होती हैं इंदुलेखा तुंग विद्या ललिता विशाखा रंगदेवी सुदेवी चित्र चंपकलता इत्यादि तो ये सखियों को जो असिस्ट करते हैं जो मदद करते हैं वो मंजरिया होती छोटी लड़कियाँ करीबन पाँच या छः साल की तो इसमें से ये लवंग मंजरिया रति मंजरी है इनका जन्म एक बहुत ही अच्छे भारद्वाज गोत्र भारद्वाज मुनि के गोत्र में हुआ था भारद्वाज मुनि ये अयोध्या के जो ये था हद हद थी उसके सीमा के उधर ही थे जब राम जी गए थे वनवास के लिए तो पहले उनको ही मिले थे और वापस आए थे अंत में उनसे ही मिल अयोध्या में प्रवेश किए थे तो ऐसे भारद्वाज गोत्र में उनका जन्म हुआ था उनके पिता कुमार देव थे और माता रेवती देवी थी ये चैतन्य महाप्रभु का जो वृक्ष बताया गया है श्री चैतन्य चरितमृत के अंतर्गत तो उसके त्रयालीस चवालीस और पैंतालीस ये जो तीन शाखाएं हैं वो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी और अनुतम अनुपम है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था तो उनको ऐसा एक सपना आया था कि कोई ब्राह्मण आके उनको श्रीमद् भागवतम भेंट दिए थे तो असलियत में वैसा हुआ और वो श्रीमद् भागवतम का बहुत गहराई से पठन रोज़ करते थे जैसे ये बड़े हुए जवान हुए तो तीनों भाई बहुत ही नेक बहुत ही सुंदर बहुत ही विद्वान और सभी अच्छे गुणों से संपन्न थे नवाब हुसैन शाह को अपना राज्य जो है वो बढ़ाना था पूरा और 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 अधिक तो उसके लिए उसको कोई तो हिंदू व्यक्ति चाहिए था जो जिसके बारे में सभी हिंदू आदर दे और वो उसका आदमी हो नवाब हुसैन शाह का तो ऐसे चर्चा करते करते उनको पता चला ये जो तीन भाई है इसमें से विशेषता सनातन गोस्वामी इनकी बड़ी ख्याति है इनको बड़े लोग मानते हैं तो इनको मैं अपने अंतर्गत रहन, रखना चाहता हूँ तो वो तीनों को बोले बुलाए और कहे कि आपको मेरे अंतर्गत रहना है मेरे मंत्री बनना है आपको मुसलमान बनना है तो वो तो तैयार नहीं थे क्योंकि वो तो अच्छे कृष्ण भक्त थे अच्छे परिवार में थे ब्राह्मण परिवार से तो लेकिन नवाब हुसैन शाह ने उनको धमकी दिया अगर आप मेरे अंतर्गत नहीं होगे तो फिर मैं हिंदुओं को मार डालूंगा और उनकी मंदिरों को उध्वस्त कर दूंगा तो फिर और कुछ पर्याय नहीं था क्योंकि बचाना है तो यही करना होगा तो फिर वो बोलते कि ठीक है फिर तो बन जाते तो वो साकार मल्लिक बन जाते रूप गोस्वामी वो संतोष अमोर अमर और अनुपम थे तो वो भाई फिर दबीर खास सकर मल्लिक सकर मल्लिक यानी सनातन गोस्वामी दबीर खास यानी रूप गोस्वामी और अनुपम ये तीनों उनके राज्य के अंतर्गत विशेषता सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री थे वो काफ़ी सबसे बड़ा पोस्ट था रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर इत्यादि तो इस तरह से वो देख रहे थे लेकिन उनके माता पिता को ये अच्छा नहीं लगता था कि ये एक यवन के अंतर्गत रहकर ऐसी सेवा दे रही है ये जीवन थोड़ा है ना ऐसे तुच्छ व्यक्तियों के जो पाप करते रहते हैं दूसरों को भक्ति से च्युत कर देते हैं ऐसे लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए तो उन्होंने बहुत बार कहा उनको कि आप कुछ करो है ना तो फिर बाद में जब चदन महापुरुष संन्यास लिए तो उनको बताया कि आप उनको पत्र लिखिए तो इन्होंने बहुत पत्र लिखे रूप सनातन ने कि हम ऐसे लच्छों के अंदर यवनों के अंतर्गत सेवा कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे बहुत सारे पत्र तो लिखे लेकिन उत्तर तो कुछ भी नहीं आया बहुत लंबे समय के बाद एक चिट्ठी आई जिस महाप्रभु से पूरी से और उसमें लिखा था कि एक श्लोक ही लिखा था बस ये दोनों बुद्धिमान थे तो समझ गए परव्यसनिनी नारी एक जो स्त्री है जिसका किसी पर पुरुष से संबंध है प्रेम है तो ऐसे घर में कामकाज करने चाहिए कि पति को बिल्कुल पता न चले कि मेरा किसी और पुरुष से संबंध है और फिर उचित समय आने पर ऐसा अगर करेगी पति को अगर कुछ भी समझने नहीं आएगा तो पति कभी तो कभी चले जाएंगे इधर उधर तो वो अपने पति से यानी अपने प्रेमी से उपपति से मिल सकती है तो ऐसा तो एकदम काफ़ी रोमांटिक लगता है ये लेकिन ये दोनों पूरी तरह से समझ गए इसका अर्थ है कि नवाब हुसैन शाह जैसे हमारे पति है तो जिसके अंतर्गत हम रह रहे हैं तो ऐसी सेवा करनी है राज्य के अंतर्गत कि नवाब हुसैन शाह को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमारी भक्ति चैतन्य महाप्रभु के प्रति या कृष्ण के प्रति है फिर वो कर रहे थे उनके जो स्थान था राम के लिए जो बंगाल से थोड़ा पास में ही है बॉर्डर पे बिहार बंगाल बॉर्डर पे तो वहाँ पे उन्होंने गुप्त वृंदावन बनाया था उनका अभी भी रूप सागर सनातन सागर आज भी आज के तारीख़ में भी वो स्थान उपलब्ध है वहाँ पे वो स्नान करते थे दोनों और फिर उनके गुरु थे विद्या वचस्पति जिनके अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छे से ज्ञान ग्रहण किया तो चेतन महाप्रभु ने सोचा कि मैं इन दोनों का उद्धार करना चाहता हूँ तो महाप्रभु ने जो प्रयास किए थे वृंदावन जाने के अलग अलग तीन प्रयास तो जो तीसरा प्रयास रहा तीनों असफल रहे असफल रहे रह यानी महा, महाप्रभु की इच्छा से ही तो ये तीसरा जो प्रयास रहा वृंदावन जाने का ये एकमात्र इन तीनों के उद्धार के लिए था विशेषतः रूप सनातन के उद्धार के लिए और उसका और कुछ भी उद्देश्य नहीं था तो वो जाते हैं महाप्रभु राम के लिए मैं पहुँचते हैं बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं तो बहुत लंबी कथा है लेकिन संक्षिप्त में जब रात का समय होता है तब रूप सनातन दबिर खा साकार मल्लिक अपने वेश को बदल कर जिससे कि बाकी कोई समझ ना पाए मध्य रात्रि में वो महाप्रभु से मिलने आते हैं नित्यान प्रभु हरिदास ठाकुर अन्य भक्त होते हैं गदाधर गदाधर दास उनसे मिलने के बाद महाप्रभु से मिलना होता है दोनों पूरी तरह से शरण आ जाते हैं अपने दांतों में घास के तिनके लेकर वो पूरी तरह से प्रणिपात अष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं नीच जाति नीच संगी करो नीच काज हमारी जाति नीच है हमारा संग भी नीच लोगों का ही है और काम भी हम नीच काम ही कर रहे हैं तो कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए हालांकि हम तो उसके पात्र भी नहीं है आपकी कृपा प्राप्त करने के लेकिन फिर भी जैसे एक बवना होता है चांद को छूने का प्रयास करें वैसे हम आपको आपकी कृपा के अभि अभिलाषी हैं भीख मांग रहे करके तो चैतन्य महाप्रभु उन दोनों का उद्धार करते हैं उनको स्वीकार करते हैं अपने शिष्य के रूप में और कहते हैं कि आजिहाय है तुम्हारा नाम रूप सनातन दैन्य छाड़ तुमारा दैन्य फाटे मोरमन आज से तुम दोनों को दीक्षा जैसे दीक्षा के बाद नाम बदलता है आजिहाय ते तुम्हारा नाम रूप सनातन आज से तुम्हारा नाम रूप सनातन ये नाम उनका पहले था नहीं अमर संतोष अनुपम थे वो बाद में दबीर खास साकार मल्लिक बने तो जैसे दीक्षित हुए तो उनका नाम महाप्रभु ने दिया है रूप गोस्वामी गोस्वामी नहीं है रूप और सनातन आजी है तो तुम्हारा नाम रूप सनातन और पहली ही जो उपदेश है दीक्षा के बाद वो है दैन्य झाड़ अपनी नम्रता को कम करो भाई बहुत इतनी नम्रता है कि मैं पिघल रहा हूँ इधर तुम्हारा दैन्य फाटे मोर मन मेरा मन पिघल रहा है हृदय पिघल रहा है तो हमें बताया जाता है गुरु महाराज के द्वारा दीक्षा के बाद अरे भाई थोड़ा नम्र बनो इसलिए हमारे गुरु महाराज तो दीक्षा में वो है ही है इन द मिशन ऑफ शिला शिलाप्रभापत इन द मूवमेंट ऑफ शिला शिलाप्रभापत आई एल ट्राई टू सर्व एज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ ऑल दडी वोट इज तो जान बुझ कर वो दीक्षा में डाल दिया है कि करना ही पड़ेगा प्रतिज्ञा ली है जान जाएगी लेकिन प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकते तो इसलिए नम्रता फोर्सफुली दिया गया है दीक्षा के, के समय ही लेकिन इनको दीक्षा के समय ही पहले बताया गया कि अरे दैन्यता छोड़ दो भाई दैन्य छाड़ तुम्हारा दैन्य फाटे मोहरमन और फिर महाप्रभु वहाँ से तो चले जाते हैं तो इन दोनों को उपदेश देकर वहाँ से चले जाते हैं तो बाद में उनकी बड़ी इच्छा होती है कि महाप्रभु के संस्था में हम ज्वाइन हो जाए पूरी तरह से तो रूप गोस्वामी तो भाग जाते हैं नवाब हुसैन के दरबार से यहाँ से लेकिन सनातन गोस्वामी रह जाते हैं क्योंकि और कुछ विपरीत परिणाम हो सकता है वगैरह तो सनातन गोस्वामी ऐसा बहाना करते हैं कि वो बीमार हैं असलियत में बीमार नहीं थे तो ये हमारी परंपरा में आ रहा है जब भक्तों को यात्रा वगैरह जाना होता है कुछ पढ़ना वगैरह होता है तो यानी आध्यात्मिक ग्रंथ तो वो कभी बहाना करते हैं कि हम बीमार है करके और वो उचित भी है क्योंकि क्या ये है ये बकवास है भौतिक जीवन उसमें क्यों अपना टाइम पास करने का तो अच्छा है कि वो करे ही नहीं लेकिन ठीक है पूरा छोड़ भी नहीं सकते तो ठीक है ऐसा कुछ बहाना बना दो ये झूठ झूठ नहीं है ये परम सत्य है क्योंकि परम सत्य को हम शरण जा रहे हैं उस यात्रा को जाकर गुरु महाराज के साथ या फिर कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़कर वगैरह तो ये उचित ही है जिसको ये ज्ञान है वही एनलाइटेंड सोल है नहीं तो बाकी सब अज्ञान में डूबे हुए हैं तो फिर वो कुछ दिन बीत गए फिर भी सनातन गोस्वामी ठीक नहीं हो रहे तो नवाब हुसैन शाह ने भेज दिया अपने एक सिपाही को बोले जाके देखो क्या बात है कुछ अच्छे वैद्य नहीं तो अपना वाला वैद्य भेज सकते हैं वगैरह तो जाके वो देखे तो क्या देख रहे सनातन सा, गोस्वामी बैठे हैं और चेयर के ऊपर सीट के ऊपर और बाकी सब ब्राह्मणों को सीट दिए हुए आसन दिए हुए और सब ब्राह्मण सुना रहे हैं उनको श्रीमद भागवतम और सनातन गोस्वामी बड़े चाव से उसको सुन रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं इसका क्या अर्थ है उसका क्या अर्थ है बोले तो बड़ा अच्छा श्रीमद भागवतम कक्षा चल रहा है <laughs> और बीमारी का तो नामो निशान नहीं है तो वो समझ गए वो आ गए नवाब हुसैन शाह ने पूछा क्या फिर कैसी तबियत है बोले क्या तबीयत वो तो एकदम चुस्त है <laughs> श्रीमद भागवतम सुन रहे यानी वो पता है कि ऐसे है कि वो बीमार कहाँ बीमार तो है ही नहीं नामो निशान नहीं है तो ये खुद देखना चाहता है नवाब हुसैन शाह कि कितना सत्य है ये चीज़ तो खुद आता है वो बहुत सारे सिपाहियों के साथ और जैसे ही वो आता है तो सब खड़े हो जाते हैं सनातन गोस्वामी क्योंकि राजा यानी भगवान का ही प्रतिनिधि होता है तो खड़े होते हैं आदरपूर्वक और देखते हैं नवाब हुसैन शाह समझ जाता है ये तो कुछ बीमारी है ही नहीं इनको बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपके लिए उचित नहीं है वगैरह तुरंत आ जाओ तुम अपनी सेवा में लग जाओ बोले नहीं नहीं अभी आप मुझे माफ़ कीजिए मैं आपकी सेवा में नहीं मैं यहीं पे भागवत ही पढ़ते रहूँगा वगैरह तो बोले नहीं ऐसा नहीं तुम्हें आना ही है करके जबरदस्ती करने के बाद भी वो तैयार नहीं थे तो वो बोले कि फिर तुम्हें फिर मैं कैद में रखता हूँ फिर उनको कैद में रख दिया सनातन गोस्वामी को कुछ समस्या नहीं थी वो और फिर ये बहुत सारा कुछ चीज़ें बोलते हैं नवाब हुसैन शाह कि मैंने पूरा बंगाल का जो कार्य है तुम्हारे ऊपर सौंप दिया है तुम्हें अपने छोटे भाई के समान मानता हूँ पूरा सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में दिया है फिर ऐसा क्यों तुम मेरे साथ कर रहे हो लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं थे तो फिर उनको कैद में रखा गया परम पूज्य जयपदा का स्वामी महाराज कहते हैं कि वहाँ सनातन गोस्वामी सत्रह महीने के लिए थे सोचिए एक आचार्य लवंग मंजरी सत्रह महीने के लिए उस जेल में आज भी वो जेल है हम गए थे बहुत साल पहले तो बहुत बड़ा है वो तो उसमें वो सनातन गोस्वामी सत्रह महीने के लिए हमारे जीवन में थोड़ा इधर उधर कुछ हो जाए लॉकडाउन क्या हो जाए हमारे भगवान को इतना कोसते हैं इतना कोसते हैं क्योंकि हम अल्पबुद्धि वाले या मूर्ख ही हैं लेकिन महान भक्त हम देख सकते हैं कैसे होते हैं उनमें बहुत धीरज होता है धैर्य बहुत होता है तो वो हो गया फिर बाद में रूप गोस्वामी ने एक चिट्ठी लिखा था उनको कि मैंने कुछ दस हज़ार सुवर्ण मुद्राएँ एक वणिक के पास रखे हैं व्यापारी के पास आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ से निकलने के लिए तो फिर वो मुद्राओं को सनातन गोस्वामी देते हैं जेल कीपर को कहकर उसमें से कुछ देते पाँच सात हज़ार कुछ तो और कहते हैं कि ये रखो और तुम मुझे यहाँ से छुड़वा दो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे छुड़वा और राजा मुझे मार डालेगा बोले नहीं नहीं देखो मैं यहाँ से निकलूँगा ना तो सीधा मैं मक्का ही चला जाऊँगा तो तुम्हें मक्का जाने में, में मेरी मदद करने का श्रेय मिलेगा तो फिर भी वो डर रहा है क्योंकि जान जा सकती है उसमें तो उनको और कुछ हज़ार गोल्ड कॉइन्स देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो तुम्हें यही पढ़ी है ना कि कैसे बताएंगे राजा को तो राजा को बताना कि जो उनको कुछ शौच विधि के लिए जाना था तो मैं गंगा किनारे लेके गया पूरा वो सलाखों में थे पूरे इसमें जंजीरों में थे लेकिन जब वो गए तो उसके बाद उन्होंने छलांग लगा दी गंगा में और गंगा में ही मृत्यु हो गई उनकी उनका मृतदेह भी हमें प्राप्त नहीं हुआ ये बता देना इस तरह से तुम छूट सकते हो तो बोले ठीक है फिर तो वो तो खुशी था वहाँ उन्होंने सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे उन्होंने कहा तुम जिंदा पीर हो तुम्हारा जैसा पीर यानी बहुत बड़ा साधु हो तुम तो मुसलमान समाज में तो वो तो बेचारा रोने लगा उसकी दाढ़ी वगैरह सब गिली हो गई इतना सनातन गोस्वामी हमारे आचार्यों से सीखना चाहिए कैसे भौतिकवादि लोगों से बात करनी चाहिए बड़े प्रेम से और अपना जो कार्य है सेवा है करवा लेनी चाहिए और फिर वो पैसे भी प्राप्त थे उसको सब मिल गया उसको तो खुश था वो और वैसे ही वहाँ से ही भाग गए सनातन गोस्वामी भागते भागते वो चले गए वृंदावन की तरफ जा रहे थे क्योंकि सुना वृंदावन में महाप्रभु है उस समय महाप्रभु वृंदावन गए थे तो लेकिन वो जैसे वाराणसी में पहुँचे पहुँचे तो समझा कि वृंदावन से वापसी के रास्ते में है महाप्रभु पूरी जा रहे हैं तो यहाँ अभी वाराणसी में है चंद्रशेखर वैद्य के घर में तो बड़े प्रसन्न हुए तो चलो जाते हैं उधर तो वहाँ जाते हैं सनातन गोस्वामी इतने दिनों से भाग रहे हैं जंगल से तो उनका सब दाढ़ी वगैरह बड़ा है कुछ खाने को ज़्यादा मिला नहीं है वगैरह रास्ते में बहुत कुछ होता है और एक चीज़ होती है एक उनका ईशान नाम का एक सेवक होता है उनके साथ तो एक जगह पे होटल में जाते हैं होटल है नहीं उस समय का जो सिंपल झोपड़ी वाला होटल तो उसमें जाते हैं तो वहाँ पे वहाँ का जो मालिक होता है होटल का इतना ज़बरदस्त उनको वेलकम देता है ना तो वो उनको समझ में आता है सनातन गोस्वामी को देखिए कैसे हमारे आचार्य पूरा उनको समझ में आता है काफ़ी बार हम इतने नेव रहते हैं भोले भाले जैसे भोले वाला होना चाहिए भक्तों के बीच में लेकिन बाहर के समाज में कैसे एकदम शार्प इंटेलिजेंस होना चाहिए उसके आंखों को देखकर उसके मुंह को देखकर पूरा समझ में आना चाहिए कि इस मन इस व्यक्ति के मन में अंदर क्या बात है क्या चल रहा है इसके लिए पुस्तक वितरण बहुत करना चाहिए पुस्तक वितरण करने से परमात्मा के साथ हमारा संपर्क बहुत समीप का हो जाता है फिर अगले अगले व्यक्ति को पूरा स्कैन कर सकते हैं एकमात्र दृष्टि से ही कि अंदर क्या चल रहा है इसके हृदय में ये पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो सनातन गोस्वामी समझे इतना ये क्यों कर रहे हैं जानना पहचान मैं तेरा मेहमान है ना इसको बहुत आदर दे रहे तो उन्होंने अपने ईशान को पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है क्या कुछ लाए हो क्या जर्नी में बोले हाँ मेरे पास सात सुवर्ण सिक्के हैं तो वहाँ क्या हुआ था वहाँ का जो मालिक था उसके पास एक ज्योतिष था तो ज्योतिष ने बताया ये जो प्रवासी है हमारे पास आए हैं इनके पास आठ सुवर्ण मुद्राएं हैं तो अगर इसको तुम घर इधर रखो अपने होटल में रात और रातों रात उसको मार डालो तो आठ सुवर्ण मुद्राएं ऐसे ही मिल जाएगी तो बहुत लाभ होगा तो फिर ये ईशान ने कहा कि सात सुवर्ण मुद्राएं हैं मेरे पास तो तुरंत सनातन गोस्वामी कहते हैं कि तुमान तुमने अपने साथ ये आ, क्या कहते हैं मृत्यु घंटा क्यों रखी है जैसे कि पुराने ज़माने में राजा लोग जब किसी आ, कोई जो रहता था गुनेगार उसको मृत्यु दंड देना है फांसी पे चढ़ाना इत्यादि तो उसके पहले एक घंटा को बजाते थे उसको मृत्यु घंटा कहते तो लोग रहेंगे नहीं वहाँ लेकिन सबको सुनाई देती थी पूरे राज्य में क्या घंटा ये घंटा बजी या नहीं किसी को तो जान से मार रहे फांसी के द्वारा या चांगा के ऊपर फेंक कर या किसी भी तरह से उसको मार डालेंगे राजा के सिपाही तो ये मृत्यु घंटा तुमने अपने साथ क्यों रखी है ये सात स्वर्ण मुद्राओं के रूप में तो दे दो मुझे और लेकर उन्होंने वो मालिक को दे दी कहें कि ये आप रखिए आपके पास बोले नहीं 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 वो समझ गए कि इनको समझ में आ गया कि हम क्या उद्देश्य से उनको अपने होटल में रखें बोले नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए बस हम ठीक है बोले नहीं आप नहीं लेंगे तो कोई और हमारी जान को ले लेगा इस स्वर्ण मुद्राओं के कारण तो आप रखिए आप रखिए तो बड़ा खुश हो गया वो बोले हाँ हमने हमें पता था कि ऐसा हमने सुना था कि आपके पास आठ सुवर्ण मुद्राएँ इत्यादि वगैरह तो उनको समझ में आ ही गए फिर बाद में उसने व्यवस्था कर दी उनको नौका से पार करने के लिए नदी पार करने के लिए तो नौकाओं में बैठते ही तुरंत सनातन गोस्वामी पूछा ईशान को और भी कुछ है बोले एक सुवर्ण मुद्रा रखिए है बोले <laughs> अच्छा बेटे तो घर चला जाओ वापस से तुम मेरे साथ आने के पात्र नहीं हो तो उसको भेज दे वापस सनातन तो अनाथ उसमें अकेले जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं चंद्रशेखर वैद्य के घर के बाहर तो उनका पूरा रास्ते में और एक चीज़ होती है उनका एक बहनों ही होता है उनकी बहन जिससे विवाह किया है ऐसे श्रीकांत सेन होते हैं उनके राज्य से जब गुजरते हैं तो श्रीकांत सेन बहुत दूर से ऊपर से देख रहे होते हैं अपने राज्य में तो देखते कोई तो एक अजनबी जा रहा है वहाँ से तो वो आते पास में देखते तो आ रहे हैं ये तो अपने ही व्यक्ति हैं <coughs> तो वो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे स्थिति में वो बताते सब कथा कैसे मैं भाग गया वगैरह वो कहते हैं कि फिर आइए आप हमारे राज्य में तो हम संबंधी हैं बहुत पास के तो आइए वहाँ अच्छे से खाना पीना होगा कपड़े नए पहनाते पहनेंगे तो वो बोले नहीं नहीं मैं तो बस महाप्रभु से मिलने वृंदावन ही जा रहा हूँ तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है कम से कम ये एक कंबल लीजिए बहुत ही कॉस्टली कंबल राजा है राजा ने उनको बहुत ही महंगा ऐसा एक कंबल दिया जो सनातन गोस्वामी अपने कंधे पे रख कर जाते हैं तो वहाँ पे वो खड़े हैं बाहर और यहाँ अंदर चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर वैद्य को कहते हैं कि देखो तो कोई बाहर कोई वैष्णव है क्या शायद मिलने के लिए आया होगा तो जाते हैं वो चंद्रशेखर वैद्य और देखते हैं इधर उधर तो उनको तो कोई दिखता नहीं वापस आते हैं और महाप्रभु कहते नहीं महाप्रभु कोई वैष्णव नहीं है बाहर बोले तो सही में कोई नहीं है नहीं बोलिए है कोई एक व्यक्ति वो एक फ़कीर है जो दाढ़ी बड़ा हुआ वगैरह ऐसे बोले वही वो फकीर नहीं वो स्वयं सनातन ही है तो उसको लेके आने के लिए पहले महाप्रभु चले जाते हैं वहाँ से और देखते हैं सनातन गोस्वामी को, को सनातन गोस्वामी उनको दंडवत करते हैं महाप्रभु उनको उठाते हैं और आलिंगन करते हैं बड़े प्रेम से और बड़े प्रसन्न होते हैं महाप्रभु क्या यार सनातन गोस्वामी भी बड़े प्रसन्न है महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई फिर वहाँ पे वो रहते हैं और जैसे महाप्रभु तपन मिश्रा के घर में प्रसाद लेते हैं तो ऐसे सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु के बाद में थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते थे उनको कपड़े देने को कहते हैं तपन मिश्रा अपना एक धोती देते हैं नया तो वो लेते नहीं बोलते नहीं पुराना वाला कोई धोती दे दो तो पुराना वाला धोती जो मिलता है उसको फाड़ते है दो इसमें और उसको लगाते हैं तो कितने हमारे महान आचार्य कितने सादगी का जीवन जिए हम देख सकते हैं और फिर वहाँ रह रहे होते हैं तो महाप्रभु से हर बार जब मिलते थे तो महाप्रभु उनके कंधे पे जो था उस पर देखते थे जैसे आदमी बात कर रहा है तो कभी हमें छोड़ के कहीं और देख रहा है तो हमें समझ में आता है तो सनातन गोस्वामी समझ गए महाप्रभु बार बार उस कंबल को देख रहे थे उन्होंने महाप्रभु के जो बात ही मन की वो समझ गए ये फर्स्ट क्लास डिसाइबल होते हैं तो उन्होंने क्या किया गए गंगा किनारे वाराणसी में और वहाँ एक धोबी था वो अपने पुराने कंबल को धो रहा था उनको कहा कि कि महाशय आप ये मेरा वाला कंबल लीजिए आपका वाला कंबल मुझे आप दीजिए एक्सचेंज ऑफर तो वो देखते हैं कि इनका कंबल तो इतना ज़बरदस्त है इतना महंगा ये कैसे क्या है ये तो सही नहीं हो सकता शायद मरा मजाक कर रहे तो बोले तो क्या आप मजाक कर रहे मेरा बोले नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ सही मैं कह रहा हूँ बोले सही में बड़े खुश होते हैं तो अपना जो कंबल फटा फटाता वो वो दे देते हैं और ये नया वाला जो कंबल उसको मिलते बहुत खुश होते हैं वही पुराना वाला कंबल डाल के जब महाप्रो के पास मिलने आते तो महाप्रो इतने खुश हो जाते हैं उनको आलिंगन करते कहते अरे सनातन तुम तो भिक्षुक का जीवन जी रहे हो और इतना कॉस्टली कंबल महंगा कंबल देख के जब भिक्षा मांगने जाओगे तो गृहस्थ तो लोग बोलेंगे कौन किससे भिक्षा मांगना चाहिए <laughs> हमें आपसे भिक्षा मांगनी चाहिए इतना कॉस्टली कंबल तो हमारे घर में भी नहीं है तो साधुओं को देखना चाहिए जब हम जीवन जी रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि गृहस्थों से ज़्यादा आलिशान जीवन जी रहे हैं <laughs> ग्रस्त लोग सोचेंगे अरे बड़े चैन से जीते हैं साधु लोग तो ऐसा नहीं इतना सादगी का जीवन होना चाहिए फटे कपड़े पहनना चाहिए आइडियली सिर्फ प्रचार के लिए थोड़े नए कपड़े पहनने चाहिए नहीं तो फटे ही साधुओं को यानी फटे कपड़े पहनना ऐसे चटाई भी फटा होना चाहिए गमछा भी फटा होना चाहिए सब फटाफटा जीवन <laughs> <laughs> क्योंकि हृदय फट गया है भगवान की भक्ति से इतना भक्ति इतना भक्ति कि हृदय फट के ही भक्ति बाहर प्रचार के रूप में जा रही है ऐसे तो जीवन जीना चाहिए जो हम सनातन गोस्वामी से सीखते देखिए हमारे आचार्य ऐसे वो तो कितने वो तो लोकमंडल पति थे वो हम तो क्या पहले कितना था हमारा संपत्ति कुछ था ही नहीं वो छोड़ के थोड़ा सा इधर आए तो इधर आलिशान जी के तो हम साधुतों को ही नाम पे काला फांस रहे तो ऐसा नहीं करना चाहिए एकदम सादगी का जीवन चलना चाहिए असलियत में देख के ही लोगों को पता लगना चाहिए तो बड़ा साधु है अर्थात इतने भी खपटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए <laughs> क्योंकि क्यों वो दूर से भाग जाए लेकिन बोल चाल सब जीवन जो है उससे समझ में आना चाहिए कि कितना साधा सीधा है ये व्यक्ति तो फिर महाप्रभु से वहीं पे रहते हैं बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन वहीं पे सनातन गोस्वामी महाप्रभु को शरण आते एक बार और कहते कि के आमी के ने आमाए जा रहे तपत रहे यहाँ ना ही जानी केवने हित हो कि मैं कौन हूँ ये त्रिताप मुझे क्यों तकलीफ दे रहे आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी क्लेश मुझे समझ में नहीं आ रही है। आ रहे हैं तो कृपया आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए महाप्रभु कहते अरे सनातन तुम तो सर्वज्ञ हो तुम सब शास्त्रों को अच्छे से जानते हो लेकिन ये महान भक्तों का ऐसा एक उदाहरण ऐसा एक स्वभाव होता है कि वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए यानी दूसरों को थोड़ा सा प्रशिक्षित करने के लिए वगैरह अपने आचरण से ऐसे नम्र स्वभाव से प्रश्न पूछते हैं तो लेकिन तुम पूछ रहे हो तो फिर मैं बताता हूँ और ऐसे बताते बताते अगले दो महीने के लिए रोज दशाश्वमेध घाट जो वाराणसी में स्थित है काशी विश्वनाथ के दर्शन लेकर अगर नीचे जाएंगे हम एक घाट है जिसका नाम दशाश्वमेध घाट है उस उधर ही रहकर महाप्रभु ने उनको दो महीने के लिए सनातन शिक्षा अर्थात उसका नाम सनातन शिक्षा नहीं है जो शिक्षा दी उसको सनातन शिक्षा के रूप में हम जानते हैं आज के तारीख में तो मध्य लीला का जो उन्नीसवा श्लोक है रूप शिक्षा है प्रयाग में दी थी महाप्रभु ने और उसके बाद 20वां, इक्कीसवा 22वां, तेईसवा 24वां ये जो पांच अध्याय है ये पूरे सनातन शिक्षा इतना गहराई में है वो बहुत कुछ उसमें चर्चा हुई थी संबंध अभिदय प्रयोजन सर्वज्ञ जो ज्योतिष था उसकी कथा महाप्रभु वहां बताते हैं भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताते हैं तो सनातन गोस्वामी जब सुनते हैं कि सत्य क्या होता है त्रेता युग के युग के तो जान बुझ कर, कर पूछते हैं फिर कलयुग के इस समय में अभी कौन से अवतार हैं तो महाप्रभु तो ऐ सनातन ऐसे प्रश्न मत पूछ <laughs> क्योंकि उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है महाप्रभु ही वो अवतार है तो महाप्रभु शर्मा जाते हैं कि ये तो थोड़ा पॉइंट को पकड़ा है करके तो दो महीने के लिए लगातार शिक्षा दी उन्होंने और उसके ही आधार पे आगे जाके सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे चार विशेष है उसमें से जो बृहद बृहदभागवतामृत श्री बृहद बृहदभागवतामृत हरिभक्ति विलास जो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से पब्लिश किया दशम टिप्पणी और दशम चरित ये चार प्रमुख है इसके अलावा भी और कुछ तो सनातन गोस्वामी वहाँ से जाते हैं महाप्रभु के कहने के अनुसार वृंदावन जाते हैं वहाँ सुबुद्धि राय के अंतर्गत रहकर उसकी भी बड़ी लंबी कथा है लेकिन वहाँ फिर वो वृंदावन के वनों को भेंट देते हैं जब रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं तो बाद में वो पूरी चले गए तो इसलिए सनातन गोस्वामी भी वृंदावन के दर्शन के बाद पूरी के लिए प्रस्थान करते हैं जा जाते समय झारीखंड जंगल से जाते हैं तो झारीखंड जंगल से गुजरते गुजरते बहुत दिन उनको कुछ खाने को ही नहीं मिलता और उसके अलावा जो पानी भी पी रहे थे वो गंदा पानी था दूषित था इसके कारण उनके शरीर में पूरे फोड़ फोड़े आ जाते हैं जिसमें से गंदा चीज़ वगैरह बहती है गंदा पानी तो लेकिन जब जाते हैं पूरी में महाप्रभु से मिलते हैं तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे वहाँ वो हरिदास ठाकुर के साथ रह रहे होते हैं सिद्ध बकुल में महाप्रभु जैसे ही सनातन गोस्वामी दंडवत करते थे जाते थे महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे तो सनातन गोस्वामी को, को बड़ा बुरा लगता था कि सब मेरा शरीर दूषित और बीमार सब ये बहरा है सब गंदी चीज़ और महाप्रभु के जो सुवर्ण कांति है सुवर्ण अंग को पूरा वो लग रहा है वगैरह उनको बहुत बुरा लगता था लेकिन कर नहीं पाते थे कुछ कभी कभी तो दूर भागते थे नहीं नहीं महाप्रभु नहीं तो लेकिन महाप्रभु जोर ज़बरदस्ती जाके बहुत लंबे कद वाले भी फटाफट जाके उनको आलिंगन कर ही लेते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे शरीर को जिसको महाप्रभु ऐसे आलिंगन करते हैं ये उचित नहीं है शरीर को रखना इससे अच्छा है कि मैं रथ यात्रा में जब रथ निक रथ में निकलेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर को डाल देता हूँ उससे महाप्रभु के दर्शन करते करते नाचते हुए महाप्रभु को देखकर मैं भगवत धाम भी चला जाऊँ तो ये विचार से रथ यात्रा तो अभी आई नहीं तो लेकिन महाप्रभु जान जाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं अरे सनातन ये रथ ये रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर को त्यागने कर त्याग कर भगवान की प्राप्ति होती थी तो मैं तो अपने शरीर को हज़ारों बार वो रथ के नीचे डाल देता था इस तरह से नहीं भगवान की प्राप्ति होती तुम भजन करो और उसमें भी नाम संकीर्तन करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और ये विचार छोड़ दो आत्महत्या के विचार ये उचित नहीं इससे भगवान प्राप्त नहीं होते भजन करो भजन मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम ले ले प्रेमधन तो वहाँ पर ये उनको उपदेश देते हैं और कहते हैं कि इस तरह से तुम्हें कृष्ण प्राप्त होंगे और वहाँ और एक चीज बोलते हैं कि सनातन तुम्हारा शरीर जो है हरिदास ठाकुर भी उधरी थे तुम्हारा शरीर ये मेरी संपत्ति है ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है तो यहाँ तो मुझे माँ ने कहा है कि यहाँ पे रहो पूरी में तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता लेकिन वृंदावन में मुझे बहुत कुछ कार्य करने हैं वो कार्य मैं तुम्हारे द्वारा करना चाहता हूँ ये तुम्हारे शरीर के द्वारा तो तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है और हरिदास ठाकुर को देखते हुए बोलते हैं कि देखो हरिदास एक ऐसा व्यक्ति है दूसरे की संपत्ति को नाश करना चाहता है यह क्या उचित है क्या अपनी संपत्ति का नाश करे तो अलग है तो पागल है वो लेकिन फिर भी दूसरे की संपत्ति को कैसे नाश कर सकता है कोई तो ये हरिदास ठाकुर बाद में वहापुरु जाने के बाद इतना नाचते बोले अरे सनातन तुम्हारा सौभाग्य है महापुरुष सोचते हैं कि तुम्हारा शरीर उनकी संपत्ति है करके कितना बड़ा सौभाग्य है अगर अर्थात हमारे गुरु महाराज भी सोचते हैं कि हमारा शरीर उनकी संपत्ति है हम देते ही नहीं इस संपत्ति को नहीं नहीं गुरु महाराज इतना मत खींचिए थोड़ा बाजू में रख आते ही भाग जाते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए तो लेकिन फिर वो होता है और फिर उसके बाद महाप्रु और भी कहते हैं कि अरे सनातन तुम और हरिदास तुम तो दोनों मेरे बालकों के समान हो एक माता को जब बालक जो विष्ठा करता है वो विष्ठा छोड़ता है तो माता को ऐसा नहीं लगता ये ये कितना गंदा है ऐसा नहीं माँ को तो बहुत अच्छा लगता है वो अगुरु जो ये है चतुष्मा चार बहुत ही खुशबूदार पदार्थ है अगुरु इत्यादि कुछ होंगे तो।, तो उनको मिला के चतुष्मा बनता है वो जितना सुगंधित होता है ऐसे माँ को वो सुगंधित लगता है माँ का वो जो बच्चे का विष्ठा अर्थात ये एक माँ ही समझ सकती है हम में से कोई समझने के अपात्र है हम तो माँ को बहुत अच्छा लगता है तो उसी तरह से मुझे भी तुम दोनों के शरीर जो है एक यवन परिवार से और दूसरा ऐसे फोड़ों से भरा हुआ जिसमें से गंदा दूषित यह मुझे ऐसा लगता ही नहीं और तीसरी एक चीज़ बताते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ सन्यासी के लिए सुख दुख मान अपमान शीत उष्ण अच्छा बुरा इस प्रकार का कोई भी भ्रम द्वैत रहता ही नहीं यही भालो यही मंद यही सब भ्रम जो कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते सन्यासी जो है उसको इस संसार के जो द्वंद्व है उससे कभी वो विचलित हो ही नहीं सकता उसकी दृष्टि अलग ही होती है तो फिर सनातन गोस्वामी को ठीक लगता है तो सनातन गोस्वामी जब उसी समय थे पूरी में उस समय महाप्रभु ने उनकी परीक्षा ली सनातन गोस्वामी हमारे रूप सनातन दोनों ही ये आचार्य है ह्यूमिलिटी नम्रता चार भक्तों के द्वारा महाप्रभु ने चार चीज़ें संसार को सिखाई रामानंद राय के द्वारा इंद्रिय कंट्रोल इंद्रिय संयम और गदा जगदानंद पंडित जगदानंद पंडित नहीं आ, हरिदास ठाकुर के द्वारा हरि नाम की महिमा हरि नाम कैसे लेना चाहिए और दामोदर पंडित के द्वारा सरलता और चौथे अर्थात ये पहले ही है सनातन गोस्वामी जिनके द्वारा नम्रता रूप सनातन दोनों ही नम्रता के प्रतीक है लेकिन उसमें भी विशेषकर सनातन गोस्वामी तो इसके कारण इसके बारे में एक कथा आती है जब महाप्रभु यमेश्वर टोटा में थे गोविंद के साथ गोविंद ने उनको प्रसाद खिलाया भगवान जगन्नाथ का महाप्रभु उसको ग्रहण किए और याद कर रहे थे कि कहाँ है सनातन सनातन को बुलाओ मुझे मिलने की इच्छा है तो सनातन गोस्वामी उस समय समुंदर के बीच पे थे वहाँ तप्त वालू थी दोपहर के समय और उनको जब बुलाया गया तो वो तप्त वालू के रास्ते से ही जल्दी से महाप्रु के पास पहुँच गए तो इतना गर्म था वालू जगन्नाथपुरी में अगर आप रहेंगे समर में ये वैशाख का महीना था यानी मई महीना करीबन तो इतना तप्त वालू उनके पाँव में छाले आ गए तो महाप्रु को मिलकर इतना प्रसन्न हुए महाप्रु बोले अरे सनातन इतना जल्दी कैसे आए तुम कौन से रास्ते से आए बोले मैं समुंदर के बीच के रास्ते से आया अरे समुंदर के किनारे से आए लेकिन सिमद्वार के रास्ते से क्यों नहीं आए वो शीतल रास्ता था वहाँ दोनों तरफ पेड़ है अच्छा रहता था वो बोले नहीं महाप्रभु वहाँ तो इतने सारे पंडा जाते रहते हैं माँ जगन्नाथ की सेवा में अगर किसी का गलती से मेरे से स्पर्श हो जाए तो तो दूषित हो जाएगा उसकी सेवा में देरी हो जाएगी स्नान करना पड़ेगा इत्यादि तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके सेवा में कुछ बाधा डालूँ इसलिए ये रास्ता बहुत ही शॉर्टकट ही बहुत ही फास्ट था तो मैं आ गया लेकिन देखो तुम्हारे चरणों में छाले पड़े हुए पूरा फट गए तुम्हारे पाँव इतना गर्म तप्त वालू से आए बोले नहीं नहीं महाप्रभु तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपको मिलना है ये भाव में ही मैं इतना मगना था मुझे समझा ही नहीं कि चरणों में ऐसा कुछ हो रहा है वगैरह तो कुछ समस्या नहीं तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि कितना नम्र है सनातन गोस्वामी अपने बारे में नहीं सोच रहे अपनी सुविधा अपने शरीर के लिए क्या लाभदायक है वो नहीं सोच रहे वो पंडा की जो भगवान के प्रति सेवा है तो हो सकता है ये सनातन गोस्वामी या ऐसे कोई भक्त खुद से स्वा सेवा नहीं कर रहे भगवान की लेकिन जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा में बाधा न डालकर उनकी सेवा में इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सेवा कर कर भी हमें सेवा करने का लाभ प्राप्त होता है लेकिन इसके लिए भक्ति में बहुत ही ऊंचा चढ़ा ऊंचा ऐसा स्तर होना चाहिए और फिर सनातन गोस्वामी को जगदानंद पंडित कहते हैं कि अरे तुम यहाँ क्यों रह रहे हो तुम तो वृंदावन जाना चाहिए तुम सब भाइयों को यानी गोस्वामी परिवार को वृंदावन दिया है तुम जाओ वहाँ यहाँ नो जब सनातन गोस्वामी अपना हृदय खोल कर बताते हैं कि ऐसे महाप्रभु मुझे बार बार ये करते हैं तो फिर वो जैसे ही सनातन गोस्वामी महाप्रभु का आज्ञा मांगते हैं कि क्या मैं वृंदावन जाऊँ बोले क्यों वृंदावन जाना चाहते हो मुझे जगदानंद पंडित ने ऐसे ये किया आदेश दिया ऐसे बताया कि ये उचित रहेगा वगैरह यहाँ तुम सनात महाप्रभु को इतना तकलीफ दे रहे हो वगैरह तो महाप्रभु इतना गुस्सा हो जाता है और कल का वो जग्गा हाँ उसकी ये हिम्मत कि तुम्हें उपदेश दे अरे वो तो छोकरा है कल का बच्चा है वो अरे तुम तो जगत गुरु हो तुम मेरे गुरु हो वो तुम्हें कैसा ये कर सकता है तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं अरे महाप्रभु आप कितना प्रेम करते हो जगदानंद पंडित से कि उसको ऐसे कठोर शब्दों में आप बोल रहे हो और मुझे तो आप आ, जैसे नीम का जूसी पिला रहे हो न, बहुत प्रशंसा करके देखिए कैसे भक्त होते हैं हमें अगर ऐसे कोई बोले तो बहुत अच्छा लगे हाँ वो कल का छोकरा और मैं परसों का छोकरा <laughs> बहुत सीनियर बहुत बड़ा वगैरह तो तो ऐसे करके महाप्रभु बोलते नहीं नहीं अरे सनातन ऐसे नहीं है ना मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ वगैरह तो ऐसे सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बहुत ही प्रिय थे तो एक साल करीबन रहे वो और बाद में वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए और वृंदावन में थे तो सभी छः गोस्वामी कितना विशेष उनकी भक्ति इतना उन्होंने प्रचार प्रसार किया विशेषता ग्रंथ लिखे जो लीला स्थली थे उनको ढूंढ निकाला वहाँ पे मंदिर बांधे और अपने आचार से बताया कि कैसे वैष्णव को व्यवहार करना चाहिए और सभी छः गोस्वामी कृष्ण प्रेम में इतने उन्मत्त थे जब नवद्वीप से वगैरह भक्त जाकर आते थे यहाँ पे बंगाल जाकर आते थे वापस तो उनको भक्त पूछते थे तो कैसे हैं हमारे गोस्वामीगण क्या आप रूप गोस्वामी से मिले सनातन गोस्वामी से मिले बोले अरे वो तो पागल है कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो वो पूरी तरह से मग्न है पूरे तरह से दौड़ते हैं इधर उधर रोते हुए कि राधा रानी आप किधर है कृष्णा आप किधर है ललिता सखी क्या आप गोवर्धन के नीचे हैं तट पे या फिर यमुना के तट पे हैं तो इस तरह से पूरी तरह से वो मदन मत थे अत सनातर में बहुत सारी लीलाएँ द्वादश आदित्य टीला पे वो रहते थे ये सोच करके महाप्रभु वहाँ आएंगे लेकिन फिर वहाँ पे एक कुटीर पर रहते थे और वहाँ पे जब रह रहे थे तो इच्छा हुई मदन गोपाल की जो अद्वैत आचार्य की वृंदावन यात्रा में उनको प्राप्त हुए थे एक वटवृक्ष के नीचे इसलिए उसका नाम अद्वैत वट है और वहाँ पे मदन गोपाल प्राप्त हुए थे अद्वैत आचार्य जब तक रहे वृंदावन में उन्होंने अच्छे से सेवा की लेकिन जब आना था उनको शांतिपुर वापस तो सोच रहे थे कि ये विग्रहों का क्या करूँ तो मथुरा में स्थित जो पुरुषोत्तम चौबे थे उनको वो अर्पण किए और कहें आप इनका ध्यान दीजिए तो वो जो मदन गोपाल है उनकी इच्छा हुई कि सनातन गोस्वामी मेरी सेवा करें तो भगवान की इच्छा से सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगते मांगते एक बार मथुरा गए थे और पुरुषोत्तम चौबे के घर में जब भिक्षा मांगने गए तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि पुरुषोत्तम चौबे ये मदन गोपाल को अपने पुत्र के रूप में स्नेह करते थे वो और उनकी पत्नी तो वात्सल्य रस में थे वो तो उनकी पत्नी तो और ये भी डांटते थे मदन गोपाल को तो मदन गोपाल भागते थे बाकी बच्चों के साथ खेलने जाते थे तो ये उनके पीछे भागते अरे मदन गोपाल घर चलो अभी तुम्हारा भोग का समय हो गया वगैरह तो ये देखकर सनातन गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हुए बोले अरे ऐसे नहीं सेवा करनी होती है ना भगवान है ये साक्षात पूरे ब्रह्मांडों को चलाने वाले इनको ऑ एंड रेवरेंस के साथ बड़े आदर से करना चाहिए तो पुरुषोत्तम चौबे माफ़ी मांगते हैं उनकी पत्नी कहते हैं माफ़ कीजिए हमें हमें गलती हो गई हमसे वगैरह बोले ठीक है ठीक है कुछ समस्या नहीं तो उस रात को भगवान मदन गोपाल आते हैं सनातन गोस्वामी के सपने में और कहते हैं अरे सनातन तुमने ये क्या कर दिया वो तो मेरे वात्सल्य रस में दोनों सेवा कर रहे थे तो वो तो बराबर ही था लेकिन तुमने ये सब कैसे शिष्टाचार वगैरह सब वैष्णव एटिकेट सिखा के अब गड़बड़ कर दिया इसमें अभी वो रस में मेरी सेवा कर रहे हैं वो नहीं मैं स्वीकार कर सकता तो मेरी इच्छा है कि तुम मुझे लेकर मेरी तुम सेवा करो करके तो उधर उधर जाते उनके सपने में पुरुषोत्तम चौबे चौबे को कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी सेवा की मेरी अभी मैं चाहता हूँ कि सनातन गोस्वामी के द्वारा आप मेरी सेवा करने के लिए उनको सुपूर्द करें तो फिर दूसरे दिन सनातन गोस्वामी जाते हैं तो पुरुषोत्तम चौबे उनको देते हैं और ये मदन गोपाल को रखते हैं सनातन गोस्वामी एक पेड़ के हॉलों में क्या कहते हैं जो एक होल होता है उसमें रख रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ मंदिर वगैरह तो कुछ है ही नहीं और फिर वो जो भी भिक्षा मांगते थे बाटी जो गेहूँ का आटा है उसको ऐसे पानी में यमुना के पानी में डुबो के उसको उनको देते थे कि आप कब हो तो मदन गोपाल खाते थे बहुत दिन खाने के बाद बोले ये सनातन ये क्या है आ इसमें कुछ नमक भी नहीं है थोड़ा नमक तो डाल के दे दो तो तुरंत सनातन को समझ आया आज, आज आप नमक मांग रहे कल आप घी मांगोगे हाँ ये तो ये सब करने के लिए थोड़ा ही ना मैं वृंदावन आया मुझे मुझे महाप्रभु ने भेजा है बहुत कुछ ग्रंथ लिखने बहुत कुछ कार्य करने ये चाहिए तो ले लो नहीं तो फिर किसी और के पास आप जाओ भले नहीं नहीं, नहीं, नहीं सनातन चलेगा चलेगा आ, ये भी चलेगा करके तो देखिए कितना घनिष्ठ संबंध है इनका लेकिन इनकी इच्छा थी सनातन गौस्वी की भगवान के लिए एक अच्छा मंदिर हो कहाँ मैं बहुत ही दरिद्रता से यानी बहुत ही गरीबी में कर रहा हूँ तो फिर भगवान की ही इच्छा से एक व्यक्ति थे जो आगरा जा रहे थे आगरा से जा रहे थे एक तरफ नीचे की तरफ साउथ की तरफ तो उनका नाव फंस गया यमुना में वहाँ नमूना यमुना तब वही बढ़ती बहती थी द्वादश आदित्य टीला के उधर तो वहाँ नाव फंस गई तो वो आ गए वहाँ से और उन्होंने विचार विमर्श किया इनके एक छोटा बालक था उधर उनसे वो और कोई नहीं था वो मदन गोपाल ही था तो मदन गोपाल को खेलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे ये जो सब संपत्ति है इसके द्वारा कुछ मंदिर बांधना है वगैरह तो क्या करो तो बोले ऊपर बाबा एक बैठे हैं सनातन बाबा उनसे जाके मिलिए तो भगवान ही थे वो मदन गोपाल तो ऊपर जाते हैं और मिलते हैं बड़े प्रसिद्ध बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मुझे मंदिर बांधना है आप कृपया मुझे अनुमति दीजिए तो बोलते हैं हाँ ज़रूर यहाँ बड़ा मंदिर बांधिए तो वो मंदिर फिर उस व्यापारी ने बड़ा बनाया इतना सुंदर मंदिर वो वृंदावन का आइकन मानते हैं उसको लैंडमार्क जब भी वृंदावन का फोटो है तो उसमें मदन मोहन मंदिर होना ही चाहिए तो मदन मोहन मंदिर बांधा गया और ये मदन मोहन के जो चरण कमल है भगवान कृष्ण के चरणों से पूरी तरह से वो मिलते जुलते हैं यही माता उत्तरा जब उनके जो वज्रनाप थे उन्होंने बहुत सारे विग्रह बनाए वृंदावन में अलग अलग जगह पे रखने के लिए तो माता उत्तरा जब थी उनको पूछा कि बताइए कि ये बराबर है कि ये विग्रह भगवान के अनुसार बोले ये जो मदन मोहन के जो चरण है ये बिल्कुल ऐसे ही कृष्ण के चरण थे तो फिर मदन मोहन की स्थापना की गई और बहुत ही अच्छे से वहाँ उनकी सेवा अर्चना कर रहे थे सनातन गोस्वामी और चकलेश्वर महादेव में जब रह रहे थे अर्थात बहुत सारे अन्य लीला है जब वो जब चकलेश्वर महादेव में रह रहे थे जो गोवर्धन में स्थित है तो वहाँ कुटीर में आज भी वो स्थान है उनका वहीं पे उन्होंने शरीर छोड़ा था बाद में उनके शरीर को यहाँ लेके आए थे द्वाद आदित आदित्य टीला के उधर और वहाँ पे समाधि बनाई गई तो वहाँ जो भजन कुटीर था वहाँ रह रहे थे लेकिन बहुत सारे मच्छर थे जब लिखन करते थे वो लेखन का काम तो उसमें बहुत सारे मच्छर आके काटते रहते थे, थे बाधा हो जाती थी तो उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया अभी मैं चला जाता हूँ कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा तो वो अपना जो था सामान वगैरह पैक कर रहे थे तो शिव जी से रहने गया क्योंकि चकलेश्वर महादेव है महादेव को बहुत अच्छा लगता था सनातन गोस्वामी अगर आपने देखे दोनों मंदिर बस आमने सामने ही है इतना करीब है वो कुछ पाँच फीट दस फीट का ही अंतर है दोनों में तो वो उनको लगा कि अरे सनातन का आ, साथ कितना महत्वपूर्ण है भक्तों के संग में रहना चाहिए तो शिव जी आए एक ब्राह्मण के रूप में और सनातन से मिले बोले बाबा कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं बोले यहाँ बहुत मच्छर हैं मेरी सेवा में बाधा डालते हैं मैं जा रहा हूँ कहीं अन्य स्थान पर बोले नहीं, नहीं 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 बाबा आज रात रुक जाइए अगर आप आज रात को आपको तकलीफ होती है तकलीफ़ होती है तो फिर कल सुबह जा सकते हैं अ नहीं होगी तकलीफ़ कोई आपको तो फिर वो बोलते ठीक है, है चलो कोई वृंदावन का बाबा है वृंदावन का कोई ब्रजवासी बोल रहे हैं तो ठीक है तो फिर उस रात को शिवजी सभी देवता विशेषता जो मच्छरों को नियंत्रण करने वाले देवता होते हैं ये भी देवता होते हैं उनको बोला कि अरे तुम्हारे सब भी लोगों को यहाँ से हटा दो एक भी मच्छर नहीं रहना चाहिए नहीं तो फिर मैं तुम सबकी परवाह नहीं करूँगा फिर बहुत बुरा कर दूँगा तुम सबका तो बोले नहीं नहीं ऐसा होगा तो सभी मच्छर वहाँ से भाग गए उस रात को एक भी मच्छर नहीं आया सनातन गोस्वामी ने कहा कि वो ब्रजवासी की इच्छा थी शायद सही में भगवान ने मान ली तो वहीं पे वो रह गए एक बार जब रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा था उसमें श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के साथ बैठी है एक झूले पे बैठी है तो उनका वर्णन था श्रीमती राधा रानी के शरीर वर्ण कांति का इत्यादि तो उसमें जो उनके जो सर के ऊपर जो बाल है राधा रानी के उसकी तुलना सनातन रूप गोस्वामी ने की थी एक नाक के फंड के समान जैसे ऐसा होता है ना अगर हमारे राधा रानी के भी आप देखेंगे तो वो ऐसा ही है तो फिर जैसे सनातन गोस्वामी पढ़ा ले रूप ये क्या लिखा अरे ऐसे थोड़ी ना तुलना करते राधा रानी के केश रचना की ऐसे नाक के साथ क्योंकि नाग जहरीला होता है विषारी वगैरह काला काला वो तो उनको उचित नहीं लगा बोले ये उचित नहीं है तुम इसको बदलो बोले ठीक है ठीक है बदलता हूँ मैं तो वो चले गए ये था राधा कुंड के तट पर ही हुआ था ये तो वहाँ से वो बाहर निकले जब ललिता कुंड के उधर गए रूप सनातन गोस्वामी देखा झूले पे कुछ बालिकाएं वो खेल रही थी झूला झूल रहे थे तो एक बालिका झूले के ऊपर बैठी थी और बाकी बालिकाएं उसको ये दे रहे थे धक्का दे रही थी जिससे कि वो झूल पाए तो वो झूल रही थी तो झूलते झूलते सनातन गोस्वामी ने जैसे देखा बोले ए लाली देख तेरे सर के ऊपर एक नाक चढ़ गया है क्योंकि तो उसने देखा कि वो बालिका के सर पे एक नाक चढ़ गया था ना? तो वो बालिका ने नीचे दे, पीछे देखा सनातन गोस्वामी की तरफ एक अच्छा सा मुस्कान दिया और वो अदृश्य हो गई और सभी बालिकाएं अदृश्य हो गई तो सनातन गोस्वामी सोचते रहे ये क्या है है ना अरे वो और कोई नहीं थी वो तो श्रीमती राधा रानी थी जो झूले के ऊपर थी और अन्य सखिया उनको झूला रही थी तो समझ गए कि सही में राधा रानी के जो सर के ऊपर जो बाल है वो सही में नाक के फंड के रूप में ही जैसे ही दिखते हैं तो तुरंत वापस ही आ गए जा रहे थे उधर वापस आ गए बोले रूप रूप कुछ एडिटिंग की ज़रूरत नहीं सही लिखा है तुमने मुझे अभी स्वानुभव हो गया तुम ऐसा ही रोको बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वहीं पे अन्य स्थान पे जब एक शिव भक्त था उन्होंने बहुत अच्छे से शिव जी की आराधना की तो शिव जी प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो वो कहे कि आप मेरे लिए क्या उचित समझते हो वो दीजिए बोले यहाँ पे सनातन बाबा रहते हैं उनसे मिलो उनके पास एक पारस पत्थर है वो प्राप्त करके तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो जाते हैं उनके पास और मिलते हैं सनातन गोस्वामी से कहते हैं आपके पास कोई पारस पत्थर है क्या जिसको लोहे को स्पर्श करके सब सोना भोग जाए बोले हाँ है ना जरूर है तो बोले मुझे देंगे क्या बोले हाँ ज़रूर देंगे लीजिए कहाँ है वो कचरे के डब्बे में होगा किधर तो देखिए तो बोला अच्छा ठीक है तो। उसको आच्छय लगा कचरे के डब्बे में गया वो सब निकाला नीचे था वो पारस पत्थर पारस पत्थर कचरे के डब्बे में ऐसे कुछ लोग होंगे बुद्धिमान जो अपने सोने को वगैरह ऐसे कचरे के इसमें डब्बे में रखे लेकिन ये उस उद्देश्य से नहीं था सनातन गोस्वामी का पूरा विरक्ति था भाव भक्ति के स्तर पे जो नौ गुण होते हैं नौ उसमें से एक है विरक्ति भौतिक संसार के किसी भी चीज़ के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं पूरा विरक्ति तो था तो वो गया लिया गया घर में जो भी लोहे को स्पर्श करता था सब सोने में परिवर्तित होता था बहुत खुश हो गया लेकिन कितना भी संपत्ति हो व्यक्ति खुश नहीं हो सकता थोड़े समय के लिए टिकेगा वो फिर उसके मन में आया कि ठीक नहीं इतना लेकिन उसके मन में आया विचार सनातन गोस्वामी ने इतना अच्छा ये पारिस पारस था पत्थर इसको कचरे के डब्बे में कैसे रखा ये साधु संघ का महत्व है शिवजी का भी संघ किया था और सनातन तो गोस्वामी का संघ किया तो फिर उसकी बुद्धि में आ गया कि ज़रूर उनके पास कुछ और अधिक महत्वपूर्ण चीज़ होगी आते हैं पूछते हैं कि आपके पास इससे भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण है बोले हाँ इससे बहुत अधिक गुना बहुत सबसे कीमती चीज़ मेरे पास है बोले कि आप वो मुझे दे सकते हैं हाँ दूंगा जरूर लेकिन इस चीज़ को आपको त्यागना होगा यमुना में उसको डाल दीजिए फिर आ जाइए फिर मैं आपको दूंगा तो उनका भी इतना विश्वास तो गए वो यमुना में फेंक दे हो देखिए पारस पत्थर को यमुना में फेंक दिया तो हम कहते हैं युक्त वैराग्य वगैरह उनके छोटे भाई ने लिखा युक्त वैराग्य लेकिन देखिए सनातन गोस्वामी के व्यवहार से भी सीखना चाहिए कैसे भौतिक संपत्ति से तनिक भी कुछ आसक्ति नहीं होनी चाहिए तो उसने फेंक कर आ गया और वो है कि बताइए सनातन जी क्या है वो इससे अधिक बहुत अधिक गुना महत्वपूर्ण बोले वो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये चिंतामणि है ये तो पारस पत्थर तो इस संसार का होता है तथागथित सर्वोत्कृष्ट चीज़ भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए लेकिन चिंतामणि आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त करके देते हैं गोलोखेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ फिर वहाँ से चला गया तो आज के आज के यानी वो गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा जो है हम सोमवार को मना रहे तो उस दिन ही सनातन गोस्वामी अपना शरीर त्याग किए थे चक्लेश्वर महादेव जो उनका भजन कुटीर है वहाँ पर फिर उनके शरीर को लाया गया था यहाँ वृंदावन में द्वादश आदित्य टीला के नीचे जो आज की समाधि है सनातन गोस्वामी की तो ग्रंथ समाधि के बाजू में तो वहाँ उनको स्थित किया गया लेकिन गुरु पूर्णिमा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी व्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में मानते थे जब भी सनातन गोस्वामी अलग अलग जगह पे जाते थे भिक्षा मांगने के लिए तो वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग ए सनातन ये क्या है बहुत लंबे समय के बाद आए तुम ये उचित नहीं है क्या तुम हमें भूल गए नहीं 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 बाबा ऐसे नहीं मैं तो भूला नहीं मैं तो इधर अभी नहीं और अभी तुम यहाँ से जाने का नहीं ठीक है यहाँ अच्छे खासा रहो एक दो महीना रहो तुम जाने का नहीं तो सनातन गोस्वामी तो प्लान किए थे भिक्षा लेके अगले स्थान पे जाएंगे तो नहीं आज तुम्हें यहीं पे रुकना है करके नहीं? बहुत समय के लिए यहीं पे रुकना है तो फिर बैठते थे उनके साथ और इतना घनिष्ठ संबंध सभी ब्रजवासी सनातन गोस्वामी के परिवार वाले जैसे ही थे सब कुछ पता था उनको तो पूछते थे फिर आपका फसल कैसी हुई इस बार आपकी बेटी का विवाह हुआ क्या और आपकी वो जो गाय बीमार थी पिछली बार अभी ठीक है क्या और फिर आपका बेटे का कैसा चल रहा है सब आप कुछ जैसे घर वाले बैठते हैं संबंधी परिवार वाले वैसे ही उनका पूरा रिश्ता था और फिर स्वाभाविक रूप से दूसरे दिन सुबह उठ कर, एक रात तो रह लिए फिर दूसरे दिन कहते थे बाबा अभी मुझे आगे पर ए सनातन तुम्हें यहीं पर रहना है नहीं बाबा जाना है करके तो फिर वो बाबा को भी पता है कि तो पूरे जगत के उद्धार के लिए आए फिर वो जाने देते थे तो इतना घनिष्ठ संबंध रहता था जब रूप गोस्वामी ने डांटा था जीव गोस्वामी को दो अलग अलग समय पे, तो एक समय वो जो रह रहे थे नंद नंदग्राम नंद, नंद में तो रामघाट के किनारे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक क्रोकोडाइल हॉल है सॉरी ये नंदग्राम में हुआ था नंदग्राम में तो वहाँ पे जब भिक्षा मांगने के लिए गए सनातन गोस्वामी तो वहाँ पे बताया गया सभी ब्रजवासियों के द्वारा अरे बाबा आपसे बहुत अधिक वैरागी हमने एक बाबा देखे वो एक घड़ियाल के हॉल में रहते हैं और खाने के लिए बिल्कुल मांगते नहीं कुछ हम ही ऐसा कुछ तो देते हैं आटा वगैरह तो उसको ही यमुना के पानी में मिलाकर कभी खाते हैं कभी खाते है नहीं बहुत बड़े वैरागी है और बस है ना नाम लेते हैं भगवान का ही तो सनातन गोस्वामी जानते थे कि जीव गोस्वामी दिख नहीं रहे किधर तो वो बोलते कहाँ है वो दिखाओ मुझे तो वहाँ जाते हैं देखते हैं कि वहाँ एक कोई बाबा बैठा है अंदर घड़ियाल के हॉल में तो उनको जाके मिलते हैं और देखते वो तो जीव गोस्वामी था इतनी बुरी हालत हो गई थी कुछ खाते नहीं थे वगैरह तो फिर उनको बड़ी दया आई और रूप गोस्वामी से मिलने आए सनातन गोस्वामी और कहे अरे रूप हमारे चैतन्य महापुरु की जो शिक्षा है इसका सबका सार क्या है बताओ तो बोले कि नामे रुचि वैष्णव सेवा जीवदया फिर बोलो तीसरे के बारे में जीव दया तुम जीव दया क्या कर रहे हो तो उनको तुरंत समझ में आया भाई साहब क्या कह रहे हैं जीव गोस्वामी के ऊपर दया क्या कर रहे हो तुम तो बोले हाँ वो पता नहीं मुझे कहाँ तो चला गया मैंने उसको यहाँ से वृंदावन से निकाल दिया निकल बाहर कर दिया बोले वो, वो उधर है तो सनातन रूप गोस्वामी जाते हैं और पर्सनली उनको लेके आते हैं उनको अच्छे से पर्सनली अपने हाथों से खिलाते वगैरह जीव गोस्वामी क्योंकि बहुत वो दुबले पतले हो गए थे क्योंकि कुछ खाए नहीं थे शरीर में ताकत ही नहीं था रूप गोस्वामी ने खुद उनको खिलाकर वगैरह न पूरे तरह से नष्ट ये धष्ट पुष्ट कर दिया उनको और फिर फिर से वो सेवा में लग गए सनातन गोस्वामी की जो शिक्षा है उसमें से दो प्रमुख श्लोक हैं प्रभपद बार बार दोहराते हैं दोहराते अपने किताबों में एक तो है यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधान ना द्विजत्व जाए थे जैसे एक जो कांसा होता है उसका अगर मर्क्यूरी के साथ मर्क्यूरी को क्या कह कहते हैं पारा उसके साथ ये कर दे मिश्रण अच्छे से करे अल्केमी करके एक प्रोसेस है तो फिर वो सुवर्ण में परिवर्तित हो जाता है उसी तरह से किसी भी निम्न स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो अगर गुरु के संपर्क में आ जाए उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर जाए दीक्षा के पद्धति से तो फिर वो द्विज बन जाता है उसका ब्राह्मण से भी अधिक बढ़कर हो जाता है और फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं अवैष्णव व मुखोत्कीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यो कर्तव्यों सर्पोच्चिष्ट यथापय तो ये भी प्रभपत का बहुत फेमस श्लोक है कि किसी भी वैश्व अवैष्णव से कभी सुनना नहीं चाहिए वो हालिक हालाँकि हरि कथा कर रहे हैं लेकिन वो ऐसे है कि सर्प द्वारा जो उचिष्टित ऐसा जो दूध है उसको अगर पान करेंगे ऐसा लगेगा कि शक्ति आएगी दूध पान करके दूध पान करके शक्ति नहीं आएगी तत्काल मृत्यु हो जाएगी क्योंकि एक नाग ने जहर छोड़ा है उसमें तो उसी तरह से अवैष्णव के मुख से कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए ये मदन मोहन जो तब वृंदावन में थे बाद में जाके ये हमारे संबंध विग्रह है उस दिन हमारे वानप्रस्थ संघ में हमारे कृष्णल प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था कि ये लॉजिक क्या है इसके पीछे संबंध विग्रह अभिधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह तो मैं उनको बता रहा था कि संबंध हमारे इस संसार में जो है वो काम वासना के ऊपर आधारित है एक पुरुष और स्त्री का काम वासना से जो रहते हैं फिर बच्चे पैदा होते हैं फिर उसके उसके पिता मेरे ससुर ये मेरी सास ये जो सब संबंध है ये हमारे इस इसके ऊपर आधारित है काम वासना के ऊपर लेकिन मदन जो कामदेव है उसको आकर्षित करते हैं भगवान मदन मोहन इसलिए वो संबंध विग्रह है अगर मदन मोहन की कृपा किसी को प्राप्त हो जाए तो वो काम वासना के आधारित जो संबंध है उससे पहचान नहीं करेगा लेकिन प्रेम भगवान कृष्ण से संबंधित जो प्रेम है उसके ऊपर आधारित उसके संबंध रहेंगे और ये शिक्षाएं हम सनातन गोस्वामी की कृपा आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा जो भी संबंध है इस संसार में वो काम वासना के ऊपर आधारित न रहकर वो भगवान से प्रेम क्योंकि भगवान मदन मोहन है हमारे अंदर जो कामदेव बसे हैं काम जो कामदेव जो आकर्षित करते हैं हमें उससे आकर्षण से मुक्त होकर हम भगवान कृष्ण उनको आकर्षित करेंगे कामदेव को और ऐसे मदन मोहन की कृपा से ही हम संबंध ज्ञान जो है भगवान का हमारा संबंध प्रकृति भगवान का संबंध हमारा प्रकृति के संबंध काल कर्म और भागवतम के दश विषय वगैरह ये सब जो संबंध पद्धति संबंध ज्ञान है वो अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे जब मदन मोहन की कृपा होगी सनातन गोस्वामी की कृपा प्राप्त होगी तो ये बाद में विग्रह क्योंकि मुगलों के हमले हुए तो ये विग्रह बाद में कामव्यवन से होते होते जयपुर में थे लेकिन जयपुर के राजा की पुत्री राजपुत्री का जब विवाह हो रहा था करौली के राजपुत्र के साथ तो उन्होंने कहा पिताजी मैं तो मदन मोहन को छोड़ के जा ही नहीं सकती है ना मैं तो जीवन जी ही नहीं सकती मुझे विवाह ही नहीं करना है तो बोले ठीक है बेटी चिंता मत करो तुम्हें दहेज के साथ हम मदन मोहन भी दे देते हैं फिर मदन मोहन को दे दिए वो करौली में चली गई वहाँ के राजा के साथ विवाह हो गया और फिर वहीं पर करौली में मदन मोहन जि स्थित हो गए उनका उधर बड़ा मंदिर बांधा गया तो सनातन गोस्वामी बड़े ही विशेष आचार्य मैंने बहुत ही फास्ट में बहुत ही कम बताया इनके बारे में अनगिनत बोला जा सकता है <laughs> लेकिन मैंने तो समय की सभी सभी सीमाओं को पार कर गए लेकिन माफ़ी चाहता हूँ लेकिन सनातन गोस्वामी के बारे में श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है नित्यम भागवत सेवया न तो ग्रंथ भागवत से तो सुनना चाहिए लेकिन जो व्यक्ति भागवत अर्थात ये तो व्यक्ति भागवत के भी परे हैं ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं हमारे संबंध आचार्य हैं इनकी कृपा से ही हमारा जो भगवान से संबंध है वो अच्छी तरह से प्रस्थापित हो पाएगा और हम इस भौतिक संसार के किसी भी संबंध से अपनी पहचान नहीं करेंगे वो होगा भगवान से संबंधित कृष्ण र संसार करी छाड़ी अनाचार लेकिन काम वासना के ऊपर आधारित कोई हमारे संबंध से हम पहचान नहीं कर पाएंगे अगर मदन मोहन जी और सनातन गोस्वामी की कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर प्राप्त हो तो चल सनातन गोस्वामी की छाय भागवतम की घय शिल प्रद की छाय समवेत गौर भक्तरुंद की जाय निताय गौर प्रेमानंदी